गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हो भाई सब लोग? तो बच्चों, मैं विनय यादव, टीम सीएलसी सीकर, आप लोगों का स्वागत करता हूं यूट्यूब के सीएलसी सीकर प्लेटफॉर्म पर। तो हमारा जो जेईई मेंस का फाइनल टच का जो प्रिपरेशन है, जिसमें हम लोग एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारा अप्रोच बिल्कुल रैंक को बूस्ट करने पर हो, उसके लिए जो हमारा प्रोग्राम है गुरुनीति कम प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, उसमें जो चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, यूनिट वाइज डिस्कशन कर रहे हैं, उसका यूनिट 12 आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें टॉपिक्स हमारे पास हैं रेडॉक्स, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड जो है हमारा सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो चलो बच्चों, बिना किसी समय को खराब किए हुए शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है, द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ नाइट्रोजन इन NO, NO2, N2O एंड NO3 माइनस। आसान सा क्वेश्चन है, ओके। तो अपन लोग जानते हैं कि नाइट्रेट आयन ऑर्डर हम लोगों को लिखना है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की किसमें है? तो ऑब्वियस है बेटा, अपन लोगों को पता है NO3 माइनस, दैट इज प्लस 5, देन NO2 प्लस 4, देन NO प्लस 2, और फिर उसके बाद N2O, दैट इज प्लस 1। ठीक है, सो अगर हम देखें तो ऑर्डर हमारा क्या होगा, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था का क्रम सही कौन सा होगा? थर्ड। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आपको बोला जा रहा है, ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का क्वेश्चन है, टाइट्रेशन। 10 ml ऑफ Na2CO3 सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट 0.2 मोलर HCl सॉल्यूशन। ओके भाई, तो टाइट्रेशन में अपन लोगों को पता है बेटा कि अपन लोग क्या करने वाले हैं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 विल बी इक्वल टू व्हाट, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। सबसे पहले तो हम ये बात लिखेंगे, है ना। आपको बोला जा रहा है द फॉलोइंग ml वैल्यूज वर ऑब्टेंड इन 5 रीडिंग्स। ओके, तो 4.8, 4.9, 5, 5, 5, है ना। अच्छा, बेस्ड ऑन दीज रीडिंग एंड द कन्वेंशन ऑफ टाइट्रीमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ Na2CO3 इन मिलीमोलर। तो देखो बेटा, अगर अपन लोग 5 ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसमें से 3 की वैल्यू क्या आ रही है, 5, ठीक है, और फिर 4.9 और 4.8, तो मोर एक्यूरेट और प्रिसाइज वैल्यू जो है आपकी 5 ml है। तो अपन लोग एक काम करते हैं कि HCl का जो वॉल्यूम है वो 5 ml ही ले लेते हैं, क्योंकि बाकी वैल्यूज भी बहुत क्लोज हैं। ठीक है, अच्छा, तो कैलकुलेशन में आसानी पड़ेगी। अच्छा, HCl की मोलरिटी अपन को दे रखी है और n फैक्टर HCl का कितना होता है, 1, तो मोलरिटी और नॉर्मलिटी क्या होंगी, इक्वल, तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, हम लोग लिखेंगे इसका 5 ml। ठीक है, अच्छा, और नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम मिली इक्विवेलेंट देगा, यहाँ पे आ जाओ Na2CO3 के, तो इसकी जो वॉल्यूम कितनी है बेटा, 10 ml, और नॉर्मलिटी कितनी आ रही है Na2CO3 की, तो Na2CO3 की नॉर्मलिटी हमें आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है ना, अच्छा जी, तो अच्छा, आपको मोलरिटी पता करनी है बेटा, तो नॉर्मलिटी क्या होगी Na2CO3 का, जो यहाँ पे अगर हम देखें तो n फैक्टर क्या होगा, 2, है ना, क्योंकि 2 Na+ सब्स्टिट्यूट होंगे और बनेगा क्या, H2CO3। तो यहाँ पे अपन लोग बोलेंगे कि भाई 2 × m, है ना। अच्छा जी, तो यहाँ पे m जो आ रहा है, ठीक है, वो क्या होगा आपका, ये आ रहा है 1/20, है ना, सो 1/20 दैट इज व्हाट बेटा, 0.05। ठीक है, अच्छा जी, तो 0.05 आपका क्या आ गया, मोलर आ गया, है ना। तो मिली मोलर कितना होगा बेटा, ये आएगा, आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 मिली मोलर आंसर आएगा इसका। ठीक है, अगर इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, सो 50 विल बी द आंसर हियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 15 ml ऑफ एक्को सॉल्यूशन ऑफ फेरस आयन इन एसिडिक मीडियम ऑफ कंप्लीटली रिएक्टेड विद 20 ml ऑफ 0.03 मोलर एक्वस डाइक्रोमेट आयन। ठीक है भाई, मतलब Fe+2 की रिएक्शन हो रही है डाइक्रोमेट आयन से, तो रेडॉक्स टाइट्रेशन की बात हो रही है बेटा। ठीक है, अपन एसिडिक मीडियम ले रहे हैं, तो एसिडिक मीडियम में अपन को पता है कि ये जो है फेरिक में ऑक्सीडाइज होगा और डाइक्रोमेट आयन जो है क्रोमियम प्लस 3 में जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो वो कह रहे हैं मोलरिटी ऑफ Fe+2 आयन सॉल्यूशन इन 10 टू द पावर -2 मोलर राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर,
तो देखो बेटा अम्लीय माध्यम अपन ने लिया है 15 ml अपन लोगों ने फेरसाइन का, तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ फेरसाइन, ठीक है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ फेरसाइन इज इक्वल टू व्हाट, मिली इक्विवेलेंट ऑफ डाइक्रोमेटाइन, ठीक है। तो डाइक्रोमेटाइन के मिली इक्विवेलेंट अपन लोगों को लिखने हैं। फेरसाइन की जहां तक बात है तो इसका एन फैक्टर क्या बेटा, इसका एन फैक्टर है 1+1 से, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो पर एटम या पर आयन जो है एक इलेक्ट्रॉन का जो हो रहा है लॉस हो रहा है, तो इसका एन फैक्टर जो हो गया 1 हो गया। डाइक्रोमेटाइन की जहां तक बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी है +6, तो +6 से आप +3 में जा रहे हो, ठीक है, तो ओवरऑल पर एटम 3 इलेक्ट्रॉन को अडॉप्ट करा गया है, तो यहाँ पे एन फैक्टर इसका कितना होगा, एन फैक्टर होगा बेटा एटम कितने हैं क्रोमियम के 2 और एक एटम के करस्पॉन्डिंग 3 इलेक्ट्रॉन अडॉप्ट हो रहे हैं, तो मतलब ये 6, ठीक है। अच्छा अब अपन लोगों को क्या करना है, इसमें मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। आपको डाइक्रोमेटाइन की मोलरिटी दे रखी है, तो अपन क्या करेंगे बेटा यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट लिखना है, तो नॉर्मलिटी इनटू मोल जो है वॉल्यूम लिखोगे आप। अब नॉर्मलिटी कितनी होगी बेटा 0.03, तो मोलरिटी है इसमें 6 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि एन फैक्टर इसका 6 है, और यहाँ पे आपके 20 ml आपने ली है, ठीक है। मिली इक्विवेलेंट ऑफ फेरसाइन, अपन ने फेरसाइन कितना लिया बेटा 15 ml, ठीक है। अच्छा और इसकी मोलरिटी जो है अपन लोगों को पता करनी है और एन फैक्टर इसका 1 है, ठीक है। तो अपन लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, देखो अपन बोलेंगे कि जो मोलरिटी आएगी वो कितनी आएगी, आप देखो यहाँ पे तो ये आ रहा है आपका 6 × 0.03 × 20/15, ठीक है। अच्छा तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे ये 5 × 100 टाइम्स गया, ठीक है। अच्छा जी और यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, ये आएगा आपका 6/25, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 0.5, ठीक है, 0.5 और फिर आ जाएगा आपका 0.50, ठीक है, और 4, है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.504, मतलब 50 × 10⁻²। तो मोलरिटी आएगी यहाँ पे बेटा, मोलरिटी कितनी आ गई 6 × 0.03 × 20/15, ठीक है। तो आप क्या करो 5 × 3 = 15, 5 × 20 और यहाँ पे ये 0.03 से ये 100 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, 6 × 24 / 100, तो 0.24, तो ये मोलरिटी जो आ गई वो आ गई 0.24, ठीक है। तो मोलरिटी 0.24, तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 24 × 10⁻², ठीक है। अच्छा तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया 24, निकटतम जो आंसर आएगा 24, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 भी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का क्वेश्चन है, एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस टाइट्रेशन की बात हो रही है। एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर NaH सॉल्यूशन अपन लोगों को पता करना है। टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 1 मोलर H3PO3 सॉल्यूशन एंड 100 ml ऑफ 2 मोलर H3PO2 सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे एक सॉल्यूशन अपन ने क्या ले रखा है H3PO3 का, और एक क्या ले रखा है H3PO2 का, ठीक है। अच्छा इसका सॉल्यूशन जो लिया है अपन ने वो कितना है 1 मोलर 50 ml, ठीक है, और इसका इंडिपेंडेंटली अपन लोग उसको उदासीन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका 2 मोलर और ये कितना है 100 ml, 2 मोलर 100 ml, ठीक है। अच्छा तो अपन लोग बोलेंगे इसके मिली इक्विवेलेंट कितने हो गए, NaOH के मिली इक्विवेलेंट जो है H3PO3 के मिली इक्विवेलेंट के बराबर होने चाहिए, तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे कि NaOH के मिली इक्विवेलेंट जो है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH या मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस NaOH इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ H3PO3। H3PO3 का बेटा एन फैक्टर कितना होता है, एन फैक्टर इसका 2 होता है, क्यों होता है ये अपन को पता है कि H3PO3 में 2 एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं, बाकी एक हाइड्रोजन नॉन एसिडिक होता है क्योंकि वो फॉस्फोरस के साथ डायरेक्टली जुड़ा होता है, तो इसका एन फैक्टर हो गया 2। मोलरिटी कितनी दे रखी है अपन को, मोलरिटी दे रखी है 2 मोलर और वॉल्यूम कितना दे रखा है, सॉरी मोलरिटी 1 मोलर दे रखी है और वॉल्यूम कितना दे रखा है 50, ठीक है। मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस क्या होगा, बेस का आपका मिली इक्विवेलेंट आएगा एन फैक्टर 1 हो गया और ये 1 मोलर और यहाँ पे वॉल्यूम, ठीक है,
तो वॉल्यूम ऑफ बेस कितना आ जाएगा यहाँ से 100 ml, वॉल्यूम ऑफ बेस आ गया आपका 100 ml. तो 100 ml इज द आंसर टू न्यूट्रलाइज, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 100 ml आ गया. ओके अच्छा, तो 100 ml NaOH H3PO3 के सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करेगा. अब H3PO2 की बात कर लेते हैं, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस जो आएगा बेटा आपको 1 molar इंटू 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस. H3PO2 की जब बात करेंगे तो H3PO2 का एनफेक्टर कितना होता है भाई, H3PO2 का एनफेक्टर होता है आपका 1, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही एसिडिक हाइड्रोजन होता है, बाकी दो हाइड्रोजन फॉस्फोरस से जुड़े होते हैं. अच्छा मोलरिटी कितनी है, 2 molar और इंटू 100, ठीक है. तो अपन लोग बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ बेस NaOH रिक्वायर्ड इज इक्वल टू व्हाट बेटा, 200 ml. तो ये 200 ml आ गया, तो आंसर क्या है अपने पास 100 and 200 ml. सो आंसर फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. अच्छा आपको बोला जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, इस अभिक्रिया में जो है आपको देखना है, आपको ई नॉट दे रखा है इस सर्टेन रिएक्शन के लिए. वो कह रहे हैं क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इन फैराडे टू रिड्यूस. तो ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे भी ये क्वेश्चन बोल सकते हैं और रेडॉक्स का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है ना. तो इसमें देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो कह रहे हैं क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फैराडे टू रिड्यूस 5 mole ऑफ MnO4-, ठीक है. तो MnO4- को अपन लोग रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, Mn+2 में, एसिडिक मीडियम में, क्लियर. अच्छा तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बदल के इसकी +7 से +2 हो रही है, मतलब अपन ने क्या करा है यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कराए. कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कराए, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कराए. तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इन फेराडे टू रिड्यूस 5 mole ऑफ MnO4-, तो 5 mole MnO4- को अपन लोग रिड्यूस करा रहे हैं, ठीक है. अब देखो बेटा इसके 1 mole MnO4- के लिए, 1 mole MnO4- के लिए अपन लोगों को 5 फेराडे चार्ज चाहिए, 5 mole इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है. तो 5 mole MnO4- के लिए कितनी आवश्यकता है, 5 mole MnO4- के लिए आवश्यकता है 25 फेराडे की. सो आंसर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, फेराडे में जब तक हम बात करेंगे तो आंसर अपना होगा 25 फेराडे, ठीक है. चलो बढ़ते हैं आगे, ये भी आपका बेटा न्यूमेरिकल बेस टाइप का क्वेश्चन था. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आपको दे रखा है S8+BOH- गिव्स सल्फाइड एंड S2. अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, S2O32- करना बेटा इसको, ठीक है. तो S2O32- है यहाँ पे प्लस वाटर. वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ सी. ओके भाई, तो अगर हम देखें ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल, इसको पहले मैं सेपरेटली लिख दूं ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो, ठीक है. BOH- गिव्स व्हाट, CH2- प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा S2O32- और ये आपका S आ रहा है प्लस H2O, ठीक है. अच्छा ये रिएक्शन अपन लोगों को देखनी है. अब देखो बेटा ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन कैसे हो गई, यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे -2 है ना. अच्छा और यहाँ पे अपन लोग देखेंगे तो +2x-6 इज इक्वल टू -2, तो 2x इज इक्वल टू 4, तो मतलब यहाँ पे कितना है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, ठीक है ना. अच्छा है ना, तो यहाँ पे आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे -2, तो मतलब -0 से -2 जा रहे हो और 0 से +2 जा रहे हो, यस और नो, ठीक है. तो एक रिएक्शन के दौरान रिडक्शन हो रहा है और दूसरी रिएक्शन के दौरान ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये बात क्लियर है अपन को, है ना. नाउ अब अपन लोग देखेंगे बेटा ऑक्सीडेशन और दूसरा क्या देखेंगे, रिडक्शन, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन की है. तो अपन लोग इसको सेपरेट सेपरेट डील करें और फिर उसके बाद बैलेंस कर देते हैं, ठीक है. आसान शब्दों में आप लोगों को समझा दे रहा हूं, ठीक है. एसिड जो है बेटा आपका किस में जा रहा है, S-2 में, ठीक है. S-2 में जा रहे हो तो पहले तो 8 एटम बैलेंस करो यहाँ पे, है ना. अच्छा प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, 8 sulfur atom बैलेंस हो गए अपने, है ना. अब इसका चार्ज कैसे बैलेंस करें भाई, इसका चार्ज बैलेंस करने के लिए, अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने अडॉप्ट हुए, 16 इलेक्ट्रॉन अडॉप्ट हुए, ठीक है. इस साइड भी -16 है और उस साइड भी -16 है, तो नेट चार्ज क्या हो गया यहाँ पे, ये आपका रिडक्शन वाला पोर्शन हो गया, ठीक है. अच्छा ऑक्सीडेशन वाला पोर्शन देखो, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन में आपका S8, ठीक है ना, और ये आपका बेटा जा रहा है S2O32- में, ठीक है. अच्छा तो पहले S8 है तो इसके एटम्स बैलेंस किए 4 एटम,
यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे सल्फर की प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जीरो से प्लस टू जा रहे हो तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे गए हैं, ठीक है। आप देखोगे तो यहाँ पे जो है कितना आया बेटा, जीरो से आप जा रहे हो प्लस, टोटल एटम्स कितने हो गए, सिक्सटीन है ना, एक एक एटम के करस्पॉन्डिंग दो का चेंज, तो आठ एटम के करस्पॉन्डिंग सोलह का चेंज, ठीक है। अच्छा इन दोनों को उठा के ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एस एट, सोलह इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया, तो ट्वाइस ऑफ एस एट दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। ट्वाइस ऑफ एस एट प्लस यहाँ पे आपका क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे आ रहा है एट एस टू माइनस, ठीक है, प्लस फोर एस टू ओ थ्री टू माइनस, और 16 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, ठीक है ना। अच्छा अब देखो इसको चार्ज को अपन को बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में, तो एक काम करते हैं अपन लोग, इस तरफ चार्ज कितना है ट्वाइस एस एट, आप एक काम करो इसमें कॉमन डिवीजन हो रहा है टू से तो कर दो एस एट, ठीक है, गिव्स वॉट फोर एस माइनस टू प्लस ट्वाइस एस टू ओ थ्री टू माइनस, ठीक है, सल्फर एटम बराबर है। अब देखो यहाँ पे वैसे तो अपन को आंसर मिल चुका है सी का, फोर आना चाहिए, लेकिन फिर भी अपन लोग क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे पूरी ओवरऑल इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो चार्ज लिया है वो कितना है, इस तरफ तो जीरो चार्ज है और इस तरफ कितना आ रहा है माइनस एट और माइनस फोर मतलब माइनस ट्वेल्व, तो यहाँ पे अपन लोग बोलेंगे कि यहाँ पे बारह ओ एच माइनस एड कर दो, ठीक है। तो दोनों साइड क्या हो गया, इक्वल चार्ज हो गया फोर एस टू माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ एस टू ओ थ्री टू माइनस, ठीक है, दोनों साइड 12 नेगेटिव चार्ज हो गया, क्लियर। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे बेटा, 12 ओ एच माइनस है तो इस तरफ 6 H2O कर दो आप, ठीक है। आप देखो जरा यहाँ पे सब कुछ बैलेंस हो चुका होगा, सल्फर बैलेंस है चार और दो, चार आठ सल्फर, ठीक है, ऑक्सीजन भी अगर चेक करेंगे तो 6 3 9 है ना, 6 6 12 और यहाँ पे भी 12, ठीक है, चार्ज तो बैलेंस हो ही गया था, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ठीक है। सो दिस विल बी द कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन, और अगर ये बैलेंस इक्वेशन आ गई तो अब इस इक्वेशन को कंपेयर कर लो बेटा, एस एट प्लस बी ओ एच माइनस, ठीक है, गिव्स व्हाट सी एस टू माइनस, तो सी का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे, फोर आ रहा है, ठीक है। सो आंसर अपन के पास क्या होगा, ये फरवरी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, फोर आंसर आएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आपको बोला जा रहा है 100 ml सॉल्यूशन वाज मेड बाय एडिंग 1.43 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट डॉट XH2O Na2CO3, है ना, नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.1 नॉर्मल है आपको, और वैल्यू ऑफ x पता करनी है ना। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, नॉर्मलिटी आपको दे रखी है, आपको मास भी दे रखा है सॉल्यूट का, वॉल्यूम भी दे रखा है, तो अपन लोग क्या लिखेंगे, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 1000 इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा अब आपको वेट कितना दे रखा है बेटा, वेट दे रखा है 1.43, इक्विवेलेंट वेट अपन लोगों को पता करना है, देखते हैं इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, और यहाँ पे वॉल्यूम कितना दे रखा है 100, ठीक है, तो ये 10 हो गया। नॉर्मलिटी आपको कितनी दे रखी है, नॉर्मलिटी दे रखी है 0.1, ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा आपका, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा बेटा 143, ठीक है। अच्छा अब देखो Na2CO3 का n फैक्टर कितना है बेटा, m by 2, 2 इसका n फैक्टर है, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट में अगर हम देखें तो सॉल्ट में कैटायनिक पार्ट जितना है प्लस 2 और उतना ही एनायनिक, तो जो है टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 143, ठीक है। अब देखो इसमें m कितना है बेटा अपने पास, Na2CO3 इज 106, इसका 106 प्लस 18x है ना, तो ये इसका मोलर मास होगा 18x बराबर 143 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 53 प्लस 9x इज इक्वल टू 143, तो 9x बराबर क्या आ गया, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 90 आएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा अपने पास Na2CO3.10H2O, ये बात क्लियर है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपको बोला जा रहा है
फेरस आयन जो है H2O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, XA+YB, ओके, बेसिक मीडियम अपन लोगों को लेना है, और फिर वो लें कि MnO4- की H2O2 के साथ रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, XC बन रहा है और जो है YD+Z-E, वो कह रहे हैं सम ऑफ द स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट XY, X-Y-Z-S। देखो बेटा, इसके लिए सबसे पहले अपन लोगों को दोनों रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स पता करने पड़ेंगे और बैलेंसिंग पता करनी पड़ेगी, तो एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर हम देखें पहली रिएक्शन के लिए, तो ट्वाइस ऑफ Fe2+ बेसिक मीडियम में अपन लोग इसको रिएक्ट करा रहे हैं, तो H2O2, ठीक है, तो H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा यहाँ पे, तो फेरस तो चला जाएगा फेरिक में, ठीक है, ये आपका फेरिक में हो गया, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ OH-, ठीक है ना। अच्छा जी, तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस है ना। तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे कि एक्स कोई 2 आ गया और वाई भी क्या आ गया, 2, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट केस में जो प्रोडक्ट्स हो गए, ट्वाइस ऑफ Fe+3+ ट्वाइस ऑफ OH-, ठीक है, तो X=2 और Y=2, ठीक है। अब देखो ये आपके प्रोडक्ट्स हो गए। नेक्स्ट देखो बेटा, इसके साथ अपन लोग KMnO4 की रिएक्शन कराएंगे जब H2O2 के साथ, ठीक है, तो KMnO4 जो है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और H2O2 से वो क्या करता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड से ऑक्सीजन इवॉल्व करता है, ठीक है। अब अपन लोगों को लिख रखा है यहाँ पे कि यहाँ पे अपन लोगों ने कितना लिया बेटा, 5H2O2 लिया है और 6H+ लिया है, तो ऑब्वियस है जब इक्वेशन आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आएगा ट्वाइस ऑफ Mn+2 एसिडिक मीडियम है, तो ठीक है। अच्छा, प्लस वाई जो है अगर हम देखें तो 5H2O से 5O2 बनेगा बेटा, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, 6, ओके, तो 6H+ हो गया, प्लस तो 16 हो गया, तो 8H2O आ जाएगा। आप देखो इक्वेशन बैलेंस हो चुकी होगी बेटा, यहाँ पे Mn बैलेंस है, हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस हैं, ठीक है, ऑक्सीजन एटम्स देख लो 10 और 8 18, और इस तरफ कितने हैं, 10 और 8 18, ठीक है। सो ये इक्वेशन भी आपकी बैलेंस है। अब देखो X-Y-Z अपन लोगों को कितना हो गया, X-हो गया 2, Y-डैश कितना हो गया, Y-हो गया 5, और Z-डैश कितना हो गया, Z-हो गया 8, ठीक है। तो अब देखो सम करो इसका बेटा, 2 2 4 2 6, है ना, 6 5 11 और 8, 19, so 19 will be the final answer, ठीक है। तो इसका जो योग आएगा, आंसर क्या आएगा आपका, 19, ठीक है। ये 2020 में सितंबर में पूछा गया है JEE के। Now बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको बोला जा रहा है बेटा, 20 ml solution containing 0.2 gram impure H2O2 reacts completely with 0.316 gram of KMnO4 in acidic solution. The purity of H2O2, ठीक है भाई। तो अपन लोग देखें बेटा यहाँ पे कि KMnO4 के साथ जब H2O2 रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो अभी अभी अपन लोगों ने देखा है एसिडिक मीडियम में ये आएगा 5H2O2 और ये KMnO4, ठीक है, क्या आता है बेटा यहाँ पे 6H+, यहाँ पे आ जाएगा आपका जो है ट्वाइस ऑफ Mn+2 प्लस 5O2, ठीक है, प्लस 8H2O, यस ऑर नो, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपका इक्वेशन हो गया। अब वो कह रहे हैं कि 20 ml सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.2 ग्राम इम्प्योर H2O2, 0.2 ग्राम इम्प्योर H2O2 अपन लोगों का अपन ने लिया है ना। वो कह रहे हैं 0.316 ग्राम ऑफ KMnO4 के साथ वो कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, तो अपन ये देखें पहले तो मोल कितने हैं इसके 0.316 ग्राम में। तो अपन लोग इसका मोलर मास जानते हैं कि मोलर मास ऑफ KMnO4 कितना होता है बेटा, 158, है ना। अच्छा, तो अपन लोग बोलेंगे कि भाई मोल ऑफ KMnO4, ठीक है, अपॉन मोल ऑफ H2O2 का जो रेशियो रहने वाला है वो 2:5 रहने वाला है बेटा, ठीक है। तो अपन लोग लिखेंगे यहाँ पे कि मोल ऑफ H2O2 एक्चुअली कितना आएगा, मोल ऑफ H2O2 आएगा आपके पास 5/2 इंटू मोल ऑफ KMnO4, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या होगा, 5/2 अपन ने लिया, मोल ऑफ KMnO4 कितना है अपने पास, मोल ऑफ KMnO4 आ रहा है बेटा 0.316 अपॉन 158,
है ना, तो अपन लोग लिखेंगे इसको 2 टाइम्स ए जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, बचा गया 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है, ये आपके पास आ गया मोल ऑफ H2O2, है ना। अच्छा तो ये मोल आ गया बेटा, अब अपन लोगों को क्या पता करना है, वो कह रहे हैं कि इसमें 0.2 ग्राम क्या है, अशुद्ध H2O2 है, तो एक काम करते हैं, पहले तो हम ये पता करें कि शुद्ध H2O2 कितना है, तो शुद्ध H2O2 इतने मोल है, तो मास ऑफ H2O2 कितना है बेटा, ये आपका आ गया मोल 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 34, ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 10 की पावर माइनस 3, मतलब दैट कम्स आउट टू बी 0.170, ठीक है, ये वेट ऑफ H2O2 आ गया, वेट ऑफ H2O2 कितना आ गया 0.170 ग्राम, तो अपन लोग देखेंगे कि अपन ने लिया कितना था बेटा 0.2 ग्राम लिया था सैंपल, और प्योर H2O2 कितना आ रहा है 0.17, ठीक है, तो परसेंटेज प्योरिटी कितना आ गया, तो परसेंटेज प्योरिटी जो आएगा वो आएगा आपके पास 0.17 अपॉन 0.2 इंटू 100, ठीक है, तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे कि 170 अपॉन 22 इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा 85%, ठीक है, सो 85% विल बी द करेक्ट आंसर, समझ आ गया बच्चों, तो आसान आसान से क्वेश्चन है रेडॉक्स से, ठीक है ना, बहुत कुछ हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, आपको बोला जा रहा है कि वॉल्यूम इन एमएल ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल फॉस्फिनिक एसिड, ठीक है, तो देखो बेटा फॉस्फिनिक एसिड है, अब यहाँ पे फॉस्फिनिक एसिड का फॉर्मूला पता है नहीं पता, उससे कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं है, क्योंकि आपको नॉर्मलिटी ही दे रखी है, ठीक है, वैसे तो अपन लोगों को पता होना चाहिए बेटा फॉस्फिनिक एसिड H3PO2 होता, अगर यहाँ पे मोलरिटी दे दी होती तो हम फंस जाते हैं उसमें एन फैक्टर हमें पता होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नॉर्मलिटी दे रखी है तो अपन लोगों को कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, अपन क्या लिखेंगे नॉर्मलिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इज इक्वल टू नॉर्मलिटी ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस, ठीक है, तो नॉर्मलिटी ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस इज इक्वल टू नॉर्मलिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड, दोनों के मिली इक्विवेलेंट अपन को सेम करने हैं, यहाँ पे 0.1 इंटू 10 कर दो और वॉल्यूम ऑफ बेस आपका 0.1 नॉर्मल होगा, और यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा आपका कितने ml, v ही तो पता करना है, तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे कि v भी कितना आ जाएगा बेटा, ये आएगा 10 ml, सो आंसर विल बी 10 ml, ठीक है। अच्छा चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अच्छा 11वां क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है, हाइड्रोजन परोक्साइड पे खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो जेई मेंस सितंबर शिफ्ट में जो है आपका 2020 में पूछा गया है, स्ट्रेंथ ऑफ 5.6 वॉल्यूम हाइड्रोजन परोक्साइड, ठीक है, ऑफ डेंसिटी 1 ग्राम पर ml इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज एंड मोलरिटी रिस्पेक्टिवली, तो देखो बेटा वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपन लोगों को 5.6 V दे रखा है, तो V कितना है आपका 5.6, है ना। अच्छा वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला H2O2 के लिए क्या होता है, पर्टिकुलरली 11.2 इनटू मोलरिटी, ठीक है, तो मोलरिटी कितनी आएगी आपके पास, वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपको 5.6 दे रखी है अपॉन 11.2, सो दैट कम्स आउट टू बी 0.5, ठीक है, सो मोलरिटी तो आ गई 0.5, तो मोलरिटी 0.5 दो ऑप्शंस में है, ठीक है। अब अपन लोगों को परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है, तो परसेंटेज वेट बाय वेट और मोलरिटी का रिलेशन क्या बेटा, 10 इंटू एक्स इंटू डी अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये रिलेशन अपन लोग जानते हैं, ठीक है, नहीं जानते तो याद कर लो इसको, तो मोलरिटी अपने पास कितना है बेटा 0.5, अपन लोगों को निकालना है परसेंटेज वेट बाय वेट, एक्स निकालना है वो आपको 1 ग्राम पर एमएल डेंसिटी दे रखी है और मॉलिकुलर वेट कितना है 34, तो एक्स कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से आप इसको करोगे तो 17 अपॉन 10 मतलब 1.7, सो परसेंटेज वेट बाय वेट कितना आ गया 1.7, तो आंसर अपने पास जो बनता है वो सेकंड ऑप्शन बनेगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको बोला जा रहा है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 8.9 मोलर H2O2 सॉल्यूशन कैलकुलेटेड एट 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, इसमें कोई स्पेशल बात नहीं बेटा, जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालते हैं अपन लोग 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन पे ही निकालते हैं, तो उसमें अपन लोगों को फॉर्मूला वही लगाना है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2 इनटू मोलरिटी, ठीक है, आपको
मोलरिटी कितनी दे रखी है 11.2 इंटू 8.9, ठीक है। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे बेटा तो ये 99.98 समथिंग आता है, ठीक है ना। तो इसको अप्रोक्सीमेटली अगर राउंड फिगर में देखेंगे तो ये क्या होगा 100 के अराउंड आता है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है 100 वॉल्यूम स्ट्रेंथ इसकी है H2O2 सॉल्यूशन की। तो ये आपका 100 आंसर हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 13, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल एटम्स। यहाँ पे क्रोमियम है बेटा ट्रांजिशन मेटल, यहाँ पे मैग्नीज है और यहाँ पे आयरन है, रिस्पेक्टिवली आर XYZ, सम ऑफ XYZ पता करना है। तो जहां तक K2Cr2O7 की बात है तो क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बेटा, मैग्नीज की बात है KMnO4 में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और K2FeO4 की अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे आयरन की तो ये आएगा +6, ठीक है। तो आप देखो बेटा तीनों का सम जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 12 + 7 = 19, ठीक है। सो 19 शुड बी द आंसर, क्लियर। सो 19 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं आगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन एटम्स इन कंपाउंड्स, आपको जो कंपाउंड्स दे रखे हैं, ठीक है, ये सारे कंपाउंड्स में अपन लोगों को XYZ ये सम निकालना है। तो देखो बेटा यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट अपन लोग x मान लेते हैं, सोडियम की तो +1 होती है, तो 4 + 1 +x + साइनाइड कितना होता है -1, ठीक है, और थायोसाइनेट जो है आपका आइसोथायोसाइनेट जो है -1 होगा, ठीक है। सो ये भी अपन लोगों ने -1 ऐड कर दिया, = 0। तो x जो आएगा यहाँ से +4 + x -6 = 0, तो x = आ गया +2, ठीक है। सो ये आ रहा है +2। यहाँ पे Na4FeO4 का अपन लोगों ने जो है निकाला तो ये कितना आएगा +4, और यहाँ पे Fe2CO का कितना आ रहा है 0, तो +4 + 2 + 0, तो +4 + 2 + 0 यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है 6, ठीक है, समझ रहे बात को। तो 6 इज द सम। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपका, ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट पे बेस्ड क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन K2O, K2O2 एंड KO2। तो बड़ा पोटेशियम तो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी कंपाउंड में नहीं बदलेगा, कोई भी कंपाउंड वो बनाएगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +1 ही रहने वाली है। सो आंसर आपका 4 हो गया, ठीक है। ये शायद सबसे आसान क्वेश्चन था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको बोला गया इन द रिएक्शन ऑफ ऑक्सलेट विद परमैग्नेटिक इन एसिडिक मीडियम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन प्रोड्यूसिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ठीक है भाई। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 अपन को प्रोड्यूस कराना है, ऑक्सलेट आयन C2O4 2- होता है, परमैग्नेट आयन जो है MnO4 2- होता है, MnO4- होता है। एसिडिक मीडियम अगर अपन लोग रह रहे हैं तो ये Mn+2 में जाएगा बेटा, और यहाँ पे ऑक्सलेट क्या होगा CO2 में जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो अब देखो यहाँ पे आप +7 से +2 में जा रहे हो तो n फैक्टर इसका कितना बेटा 5, और यहाँ पे +3 से आप किस में जा रहे हो +4 में, ठीक है, सही है ना। तो यहाँ पे +3 से +4 में जा रहे हो तो n फैक्टर कितना होगा बेटा 2 एटम है, एक एटम के करस्पॉन्डिंग चेंज कितने का है आपका 1 का चेंज है ना। तो अपन लोग बोलेंगे इसका n फैक्टर आ गया 2, इसका n फैक्टर आ गया 2, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन प्रोड्यूसिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ठीक है। अब इसको इक्वेशन को जरा बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5C2O4 और यहाँ पे क्या आएगा बेटा 2, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे ये आ रहा है 2 और यहाँ पे आएगा 10CO2, क्लियर। अगर अपन लोग देखें बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन लोग देख सकते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन मतलब एक एटम के करस्पॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन इसने MnO4- ने लिए हैं, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, 2 परमैग्नेट आयन रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो मतलब 10 इलेक्ट्रॉन से इन्वॉल्व करा रहा है, तो 10 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन होगा तब जाके 10 मोल CO2 प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अच्छा, तो अपन लोगों को बोल रहे हैं कि अपन लोगों को सिर्फ एक मॉलिक्यूल कराना है प्रोड्यूस, तो एक मॉलिक्यूल के लिए जो है एक मॉलिक्यूल CO2 प्रोड्यूस कराने के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन की ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 10 मोल के लिए 10 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 10 मॉलिक्यूल के लिए 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए पड़ेंगे, तो एक मॉलिक्यूल के लिए एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखो इसमें बोला जा रहा है आपको 17 क्वेश्चन में,
25 ml जो है given HCl solution require 30 ml of 0.1 molar sodium carbonate solution, ठीक है। अच्छा जी, तो मतलब अपन लोग बोलेंगे सबसे पहले तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट बेटा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट विद 30 ml ऑफ 0.2 मोलर एक्वस NaOH। तो अपन लोग एक काम करते हैं, Na2CO3 कितना है अपने पास, 0.1 into 30 into नॉर्मलिटी कितनी है अपने पास, n फैक्टर कितना है 2 Na2CO3 का, HCl का n फैक्टर 1 है। अच्छा, वॉल्यूम अपन लोग बोल रहे हैं 25 ml है ना। अच्छा, इसका अपन लोगों को मोलर टी नहीं पता है, तो मोलर टी नहीं पता है तो मोलर टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से ये आएगा आपका 6/25 है ना, ये मोलर टी आ जाएगी HCl सॉल्यूशन की। अब इस मोलर टी के HCl सॉल्यूशन को अपन लोग यूज कर रहे हैं किसके लिए, NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो अपन लोग बोलेंगे NaOH के ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू HCl के मिली इक्विवेलेंट, तो अपन लोग बोलेंगे कि HCl की मोलर टी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, NaOH की वॉल्यूम इनटू नॉर्मलिटी या मोलरिटी है ना। तो ये कितना आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 6 है ना, और यहाँ पे अपन लोगों को वॉल्यूम पता करना है, मोलरिटी कितनी आ चुकी है 6/25। तो ये अपन लोग बोलेंगे कि वॉल्यूम जो आ रहा है वो 6 तो कैंसिल आउट हो गया, 25 ml आएगा, ठीक है। सो आंसर इज व्हाट बेटा, 25 है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में कि द वॉल्यूम इन ml ऑफ 0.02 मोलर K2Cr2O7 सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 0.288 ग्राम ऑफ फेरस ऑक्सलेट इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो अपन क्या करें बेटा, इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ फेरस ऑक्सलेट Fe3O4, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो आपको दे रखा है 0.02 तो मोलरिटी दे रखी है, एन फैक्टर आपको पता नहीं है, और यहाँ पे वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको पता करना है, ठीक है। मिली इक्विवेलेंट ऑफ फेरस ऑक्सलेट कितना है, फेरस ऑक्सलेट के मिली इक्विवेलेंट हो गए आपके पास 0.288, तो वेट हो गया अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इनटू व्हाट द 1000, ये मिली इक्विवेलेंट हो जाएंगे इसके, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो अपन लोगों को ml में वॉल्यूम पता करना है, K2Cr2O7 जो है इसका n फैक्टर कितना होगा बेटा, ये क्रोमियम प्लस 3 में जाएगा, तो इसका n फैक्टर होगा, दो एटम है क्रोमियम के, तो 2 into what, एक एटम के करस्पॉन्डिंग चेंज आ रहा है 3 का, तो इसका n फैक्टर आएगा 6, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखें, 6, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अपन लोग फेरस ऑक्सलेट की बात करें तो फेरस ऑक्सलेट क्या हो रहा है बेटा, फेरस ऑक्सलेट Fe2O4 में है, तो यहाँ पे आयरन तो प्लस 3 में जाएगा, और यहाँ पे ये C2O4 से CO2 में जाएगा, तो ये आपका प्लस 3 और ये आपका प्लस 4, ठीक है। तो n फैक्टर कितना हो गया अपने पास, ये प्लस 2 से प्लस 3 में जा रहा है, तो 1 एक का चेंज हो गया, 2 इंटू वॉट, 3 से 4 में जा रहा है, मतलब एक का चेंज, मतलब 3 इसका क्या हो गया, n फैक्टर हो गया। तो अपन लोग बोलेंगे कि इसका मॉलिकुलर वेट फेरस ऑक्सलेट का मल्टीप्लाइड बाई वॉट, 3 इसका n फैक्टर है, ठीक है। फेरस ऑक्सलेट का जो मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे आप, ठीक है, इनको ऐड करके, तो ये आएगा बेटा 144, ठीक है, 56 + 24 + 64, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपने रख दिया 144, अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 6 ml कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया बेटा 100/2, दैट इज व्हाट, 50 ml। सो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, 50 ml विल बी द आंसर, ठीक है। सो आंसर 50 ml यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग, है ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग, रेडॉक्स के सारे क्वेश्चंस फिनिश हो गए हैं, अब सॉल्यूशन चैप्टर से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से जो क्वेश्चन आए हैं, तो उसमें पहला क्वेश्चन जो है अपने पास मार्च 2021 के सेशन में हम लोग देखते हैं, इसमें आपको बोला जा रहा है सॉल्यूट ए डाइमराइजेस इन वाटर, मतलब ए कोई सॉल्यूट है जो कि पानी के अंदर डाइमराइज मतलब द्रवीकृत हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए इज 100.52 द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ ए, ठीक है भाई।
तो देखो बेटा बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, ठीक है, पहले हम देखें एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, I इंटू के बी इंटू एम। ठीक है, आपको एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एक्वस सॉल्यूशन है, पानी का है, तो यहाँ पे एलिवेशन कितना होगा बेटा 100.52, मतलब 0.52। I की वैल्यू अपन को पता करनी है, और यहाँ पे के बी कितना है अपने पास 0.52 इंटू मोलरिटी कितनी है 2। ठीक है, तो I कितना आ गया यहाँ से, I आ गया आपके पास 1/2, I का वैल्यू आ गया 1/2। अब देखो इसमें पूछा क्या जा रहा है अपन से पूछा जा रहा है कि भाई परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ ए, मतलब यहाँ पे क्या है, देखो ए जो है आपका, अगर एन मॉलिक्यूल्स ए के कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो अपन लोग जो वांट ऑफ फैक्टर आई होता है उसका रिलेशन क्या आता है बेटा, 1/(n-1)β। बीटा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है, इसको बीटा मान लो। आई आपके पास कितना आ रहा है, आई की वैल्यू आ रही है बेटा 1/2, ओके, 1 प्लस ये कितना आ रहा है 1/n, n क्या है 2, तो ये हो गया आपके पास -β/2। ठीक है, अब देखो यहां से क्या आ रहा है, β/2 जो आ रहा है वो आ रहा है 1/2 के बराबर, तो बीटा बराबर क्या आ गया 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 100% एसोसिएशन हो गया। दिस इज व्हाट 100% एसोसिएशन, तो फर्स्ट का आंसर जो होगा परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ ए इज 100%। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें आपको क्या बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड HA हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ -3.885 डिग्री सेंटीग्रेड, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस एसिड इज इक्वल टू, अच्छा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर आपको दे रखा है 1.85 केल्विन किलोग्राम पर मोल, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, आपको बेटा कोई HA सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अपन को पूछा जा रहा है अल्फा। ठीक है, अच्छा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता करने के लिए पहले अपन ये पता करें, ठीक है, कि वांट ऑफ फैक्टर कितना आएगा, वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट आपको डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। ठीक है, अच्छा जी, I की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, डेल्टा TF कितना है अपने पास, डेल्टा TF वीक एसिड जो है आपका माइनस ऑफ जो है ये आ रहा है आपका 3.885, ये डेल्टा TF एक्चुअल आ रहा है, KF कितना दे रखा है आपको 1.85। ठीक है, और मोलरिटी कितनी दे रखी है आपको, मोलरिटी आपको दे रखी है बेटा 2 मोलर। ठीक है, अच्छा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आता है 1.05। ठीक है, आई का वैल्यू कितना आता है 1.05। अब अपन लोग जानते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए आई इज इक्वल टू क्या होगा, 1+(n-1), मतलब 2-1 × α, दो आइंस डिसोसिएट हो रहे हैं, तो यहां से आ रहा है आई कितना है बेटा 1.05 इज इक्वल टू 1+(α), तो अल्फा आ गया अपने पास 0.05। ठीक है, अच्छा जी, अपन से बोला जा रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस एसिड इज इनटू 10^-3 के टर्म्स में करना है, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको बेटा, 50 × 10^-3 लिख सकते हैं, सो आंसर अपने पास जो आया वो आया 50। ठीक है, चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला जा रहा है 1 मोलर K4 एफिशिएंसी सॉल्यूशन हैज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.4। ठीक है भाई,
अच्छा, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू दैट ऑफ अनदर सॉल्यूशन व्हिच इज व्हिच कंटेन्स 18.1% ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट ए. द मोलर मास ऑफ ए इज इन ग्राम पर मोल अपन लोगों को पता करना है. अब देखो बेटा, आपको बोला जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट दोनों के इक्वल हैं, दोनों सॉल्यूशन के. तो अपन लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे डेल्टा टीबी फॉर K4 एफिशिएंट 6, ठीक है. दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? डेल्टा टीबी फॉर सॉल्यूट, डेल्टा टीबी फॉर द सॉल्यूशन ऑफ ए, ठीक है. तो पहले एक काम करते हैं, डेल्टा टीबी फॉर K4 एफिशिएंट 6 के लिए बात करते हैं, ठीक है. अच्छा, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको दे रखा है. तो पहले तो K4 एफिशिएंट 6 का आई निकालते हैं अपन लोग, वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है. अगर हम देखें ये आयनाइज होगा तो 4K प्लस में जाएगा, प्लस एफिशिएंट 6 4 माइनस में, ठीक है. तो जहां तक अपन लोग आई की बात करेंगे तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस कितने आयंस आयनाइज हो रहे हैं बेटा, 5 - 1 * अल्फा, ठीक है. तो अपन लोग बोलेंगे यहां पे अल्फा आपके पास 0.4 है, ठीक है. आई कितना आ जाएगा यहां से, 1 प्लस 4 इंटू 0.4 दैट कम्स आउट टू बी 1.6. तो मतलब ये आई की वैल्यू आ गई आपके पास 2.6, ठीक है. तो K4 एफिशिएंट 6 जो है ना, K4 एफिशिएंट 6 आपका आ रहा है 1 मोलर, ठीक है. कितना आ रहा है, 1 मोलर. तो आपको जो है सॉल्यूशन 1 डेल्टा टीबी 1 इज इक्वल टू डेल्टा टीबी 2 करना चाहिए, ठीक है. इसका वांट ऑफ फैक्टर कितना आ रहा है बेटा, 2.6 इंटू केबी इंटू मोलरिटी कितनी दे रखी है आपको, मोलरिटी दे रखी है 1 मोलर, ठीक है. अच्छा जी, आपको इसका वांट ऑफ फैक्टर तो 1 ही होगा बेटा, केबी इंटू इसकी मोलरिटी अपन को पता करनी है, ठीक है. तो मोलरिटी आपको मास परसेंटेज के टर्म्स में हम लोग रिलेट कर सकते हैं, ठीक है. अच्छा, केबी केबी कैंसिल आउट हो गया बेटा, यहां से मोलरिटी जो आ गई वो कितनी आ गई, 2.6, ठीक है. मतलब ये जो सॉल्यूशन बना है ए का, वो क्या है, 2.6 मोलर सॉल्यूशन है. अब मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, अगर वेट परसेंटेज दे रखा होगा तो 1000 इनटू वेट परसेंटेज एक्स अपॉन सॉल्वेंट का वेट हो गया 100 माइनस एक्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यस और नो, ठीक है. तो ए का जो है मॉलिक्यूलर वेट अपन को निकालना है, मोलरिटी कितनी हो चुकी है अपन के पास, 2.6. तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए अपन को निकालना है, ये आ रहा है 1000 इनटू व्हाट, वेट परसेंटेज कितना है 18.1, ठीक है. और यहां से 100 माइनस एक्स करोगे तो ये आएगा आपके पास कितना, 81.9, ठीक है. अच्छा, और ये कितना आ चुका था, मोलरिटी 2.6, ठीक है. तो 2.6 अपन लोग देख रहे हैं यहाँ पे. तो इसको जब सॉल्व करोगे आप, तो इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आता है ये आ रहा है बेटा 85, ठीक है. इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर अपन ने कैलकुलेट करा है 85 आएगा, ठीक है. बढ़ते हैं आगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आपको वेपर प्रेशर से क्वेश्चन पूछा गया है, राउल्ट्स लॉ पे बेस्ड. एट 363 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ ए इज 21 किलो पास्कल एंड दैट ऑफ B is 18 kilopascal. 1 mole of A and 2 mole of B are mixed. Assuming that this solution is ideal, the vapor pressure of the mixture. ये तो बहुत आसान सम हो गया बेटा. सीधा सीधा क्या है? P is equal to what? P naught A x A plus P naught B x B. ठीक है? अच्छा, आपको कितना दे रखा है? Vapor pressure of A 21 kilopascal. ठीक है? And that of B is 18 kilopascal. आपने ए का एक मोल लिया और बी के दो मोल लिए बेटा, तो ये आपका 1/3 प्लस 18 इंटू ये कितना हो गया, 2/3, ठीक है. अच्छा जी, तो ये आपका 7 हो गया, 7 प्लस ये कितना आ गया है ना, 12, मतलब ये आ गया 19 किलो पास्कल, ठीक है. सो आंसर कितना आ जाएगा बेटा अपने पास, 19 किलो पास्कल. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, आपको बोले जा रहा है Ab2 इज 10% डिसोसिएटेड इन वाटर A+2 एंड B-, ठीक है भाई. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 10 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Ab2 इज, ठीक है. आपको क्या पता करना है बेटा,
Ab2 10% dissociate हो रहा है, तो सबसे पहले Ab2 का want off factor निकालो। Ab2 जो है ionize हो रहा है किसमें, A+2+2B-, ठीक है। इसका want off factor कितना आएगा, 1+2α, ओके। सो 1+2 × α की वैल्यू कितनी है अपने पास, 0.1, तो ये आ रहा है 0.2, तो मतलब ये आंसर आ गया आपका I का 1.2, ठीक है। अगर ये 1.2 आ गया अपने पास, ठीक है, तो डेल्टा टीबी, ठीक है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होगा, I × KB × M, ठीक है भाई। I कितना है 1.2, KB कितना है 0.5 अपन को दे रखा है, मोलरिटी कितनी है बेटा 10 मोलर, ठीक है। तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे कि 1.2 × 5, ओके, तो ये आ रहा है 6। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कितना आ रहा है 6 यूनिट का, तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा। अगर अपन लोग वाटर की बात करें तो वाटर का, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100, तो अपन लोग बोलेंगे जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आएगा वो कितना आएगा बेटा 106, है ना, 106, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। आपको बोला गया 12.2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्वड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बी दिस वन, ठीक है। देन द नंबर ऑफ बेंजोइक एसिड मॉलिक्यूल एसोसिएटेड, ठीक है, अच्छा जी, अज्यूमिंग 100% एसोसिएशन, तो अपन लोगों को यहाँ पे ये देखना है बेटा कि बेंजोइक एसिड जो है आपका कहीं ना कहीं एसोसिएट हो रहा है यहाँ पे, है ना। अच्छा, तो आई निकाल लेते हैं अपन लोग, है ना, आई का वैल्यू कितना आएगा बेटा, आपको दे रखा है क्या 12.2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड को डिसॉल्व करा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू I × KF × M, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आपने जो है डेल्टा टीएफ कितना आ रहा है 0.93, आई का वैल्यू अपन लोगों को अभी पता करना है, केएफ कितना है अपने पास 1.86, और मोलरिटी कितनी है, मोलरिटी होगी आपकी 1000 × 12.2 अपॉन वेट ऑफ वाटर कितना लिया बेटा 100, है ना। और अगर हम लोग बेंजोइक एसिड के मॉलिकुलर वेट की बात करेंगे, ठीक है, तो ये आता है आपके पास बेटा 122, ठीक है, तो 122 अपने पास, ओके, तो अपन लोग बोलेंगे यहां से 100 और ये 1000, 10 और ये 122 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो I का मान कितना बचा बेटा, I का मान बचा 0.93 / 1.86, ओके, दैट कम्स आउट टू बी 1/2, है ना, मतलब 1/2 इसका डिग्री जो है वॉन्ट ऑफ फैक्टर आ गया। अब अपन को क्या करना है, I इज इक्वल टू, अगर ये एसोसिएट हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स, तो I इज इक्वल टू 1+1/(n-1)β, ठीक है। अच्छा, तो ऑब्वियस है अपन लोगों को क्या निकालना है, वो कह रहे हैं कि assuming 100% then the number of n molecules associated, assuming 100% association, सारे molecules associate हो रहे हैं, तो अपन को ये पता करना है कि कितने molecules benzoic acid के associate होके एक molecule में convert हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो I हो गया बेटा 1/2 is equal to 1+1/(n-1)β, बीटा की वैल्यू हो गई 100% मतलब 1, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे तो 1/(n-1) is equal to क्या हो गया, ये आ रहा है -½, मतलब 1/(n) is equal to half, तो यहाँ पे क्या आ रहा है n is equal to 2, मतलब यहाँ पे डाइमराइजेशन हो रहा है बेटा, ठीक है। सो यहाँ पे डाइमराइजेशन हो रहा है, तो कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हुए हैं 2, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। बढ़ते हैं आगे, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है 224 ml ऑफ SO2 गैस एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज पास थ्रू 100 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन, ठीक है, द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रोड्यूस्ड। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कौन प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, अगर हम देखें तो SO2 की जब NaOH के साथ रिएक्शन होगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ये बनेगा Na2SO3 जो कि एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा प्लस H2O, ठीक है, ये रिएक्शन आएगी। अब देखो इक्वेशन जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ NaOH,
अब वो कह रहे हैं कि जो प्रोड्यूस हुआ सॉल्ट है उसको अपन लोग 36 ग्राम वाटर में जो है डिसॉल्व कर रहे हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपन को पता करना है, ठीक है। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पता करने के लिए पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि Na2SO3 का अमाउंट कितना बना है, ठीक है। तो क्या करें बेटा, यहाँ पे SO2 के मोल कितने आएंगे जरा देखो, अगर हम देखें 224 ml है तो मोल कितने आ गए 224 ml अपॉन मोलर वॉल्यूम कितना है अपना, मोलर वॉल्यूम है आपका 24466 ml 298 केल्विन पे, ठीक है। अच्छा 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 पे होता है जो है 22400 ml, ठीक है ना, लेकिन जो 298 केल्विन दे रखा है तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा बेटा 0.009, ठीक है 0.009, और इसके कितने मोल दे रखे हैं आपको 0.1 × 100/1000 दैट कम्स आउट टू बी 0.01, ठीक है। अच्छा इसके 1 ml के लिए कितना चाहिए बेटा, 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए तो 0.009 के लिए कितना होगा 0.018, है ना, तो मतलब कहीं ना कहीं ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिनिश हो जाएगा रिएक्शन में, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो अब यही रिएक्शन में जो है SO2 तो गैसेस फॉर्म में जो है एडिशनल अमाउंट में रह जाएगी, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से अपन लोग 0.009 − 0.005, लेकिन इससे कोई लेना देना है नहीं है क्योंकि अपन लोगों को इंटरेस्ट क्या है जो है यहाँ पे Na2SO3 की अमाउंट में इंटरेस्ट है बेटा। तो इसके 2 मोल से 1 मोल बन रहा है तो ये कितना बनेगा 0.005 मोल, Na2SO3 जो आ गया वो 0.005 मोल आ गया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये 0.005 मोल किस में मौजूद है 36 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है। तो डेल्टा पी जो आएगा, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, वो क्या आएगा बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, लेकिन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जब अपन लोग वन टॉप फैक्टर के साथ लिखते हैं तो I into what मोल ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ऐसे लिखा जाता है बेटा, मोल ऑफ सॉल्यूट मान के चलो वो B है और यहाँ पे क्या आएगा I into NB plus NA, ठीक है। अच्छा अपन लोगों को वेपर प्रेशर ऑफ वाटर प्योर वाटर दे रखा है 24, तो डेल्टा P अपॉन 24 और वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी आपको, आपको बोला जा रहा है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रोड्यूस इज डिसॉल्वड इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो अगर हम देखें बेटा यहाँ पे Na2SO3 के लिए जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर आएगा यहाँ पे ट्वाइस ऑफ Na प्लस प्लस सल्फाइड आयन SO3 टू माइनस, आई की वैल्यू आएगी यहाँ पे 3, ठीक है। तो आई की वैल्यू आ गई 3 इंटू मोल ऑफ सॉल्यूट कितने हैं अपने पास 0.005, ठीक है। अच्छा अपॉन यहाँ पे बेटा क्या होगा मोल ऑफ सॉल्यूट मोल ऑफ सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में क्या होगा 36 ग्राम ऑफ वाटर है तो यहाँ पे इसको इग्नोर कर सकते हैं अपन लोग 2 मोल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये अपन लोग 2 ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से डेल्टा पी कितना आ गया, डेल्टा पी आ रहा है आपके पास ये आ रहा है 0.0, ठीक है 15 अपॉन 2 इंटू 24, ठीक है। अच्छा तो ये कितना आ गया बेटा 12, ठीक है। अब यहाँ से जो है आप निकालोगे, ठीक है। अच्छा और यहाँ पे आपके 0.180, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो आ रहा है वो आ रहा है 18.0 × 10⁻²। सो आंसर आप क्या लिखोगे यहाँ पे बेटा 18, ठीक है। सो आंसर विल बी योर 18, है ना। नाउ तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, आसान सा सम था, बस थोड़ा सा टेक्निकली जो है हम बोल सकते हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आपको बोला जा रहा है अ कंपाउंड ए बी डिसोसिएट टू द एक्सटेंट ऑफ 75%, मतलब 75% तक ये आयनाइज हो रहा है इन एक्वस सॉल्यूशन, द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच शोस अ 2.5 केल्विन राइज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज इतने मोलर, तो मोलरिटी अपन को फाइंड आउट करनी है। ए बी जो है आपका 75% से डिसोसिएट हो रहा है ए प्लस प्लस बी माइनस में, ठीक है। अच्छा तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे कि इसका वन टॉप फैक्टर कितना होगा बेटा 1 + 2 − 1 × α, अल्फा हो गया आपका 0.75, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा बेटा 1.75, तो आई की वैल्यू हो गई, है ना। अब अपन लोगों को क्या निकालना है, अपन लोगों को निकालना है
मोलरिटी है ना, तो 2.5 केल्विन का राइज है, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। डेल्टा टी बी कितना आ रहा है आपका, डेल्टा टी बी आ रहा है 2.5, ठीक है। आई की वैल्यू आ रही है 1.75, के बी आपको कितना दे रखा है, के बी आपको दे रखा है 0.52, ठीक है। आपको मोलरिटी फाइंड आउट करनी होता, ठीक है। तो मोलरिटी जो है ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 2.5, ठीक है, अपॉन 1.75 अपॉन 0.52, ठीक है। अच्छा जी, तो इसको बेटा रफली अगर हम सॉल्व करें तो ये 0.5 से ये करीब कितने बार जाएगा, 5 टाइम्स, ठीक है। 1.75 और 5, ये आप देखोगे तो वेरी क्लोज टू 3 आएगा, ठीक है। सो आंसर इसका क्या होगा, नियरेस्ट इंटीजर आपका 3 मोलर होगा, क्लियर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, इसमें देखो बेटा आपको बोला जा रहा है कि 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट A2B3 इज 60% आयनाइज्ड, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इतने केल्विन, राउंडेड ऑफ नियरेस्ट के भी आपको दे रखा है बेटा। अच्छा अच्छा, ये आंसर प्रॉब्ली छपा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं जरा क्वेश्चन सॉल्व करके। आप देखो बेटा तो सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले पार्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, स्पेशली वांट ऑफ फैक्टर का बहुत सारा उपयोग करा गया है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड हैं, एक दो क्वेश्चन को अगर हम छोड़ दें अभी तक। तो 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन आपको दे रखा है A2B3 का, A2B3 गिव्स व्हाट, ट्वाइस ऑफ A3+ प्लस 3B2-, तो आई का मान कितना होगा बेटा, 1+ 5 आयंस आ रहे हैं, 5 - 1 × α, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा, 1+4α, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.6, अल्फा की वैल्यू है आपकी 0.6, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका 1+2.4, है ना, तो ये कितना आ रहा है, 3.4i आ रहा है आपका, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला जा रहा है आपको कि बॉइलिंग पॉइंट बताओ, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, आई इंटू के बी इंटू एम, ठीक है, आई इंटू के बी इंटू एम। यहाँ पे आई का वैल्यू आ रहा है 3.4, के बी कितना है आपके पास 0.52, है ना। अच्छा एम कितना आ रहा है, आपको 1 मोलर दे रखा है ना। तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे कि ये जो आई है के बी इंटू 1 मोलर, तो अपन लोगों को ये पता करना है कि ये कितना आ रहा है। तो रफली अपन लोग देखें इसको, तो इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, ठीक है। तो ये करीब 1.7, ठीक है, या 1.7 के अराउंड आ रहा है, ठीक है। नाउ अगर अपन लोगों को इसको 273 में ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये करीब 1.8 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो अपन लोग इसको जब ऐड कराएंगे 1.7 × 273, इसको 0.5 मान के मैं सॉल्व कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे 373 + 1.7 दैट कम्स आउट टू बी 375 के अराउंड आएगा आंसर बेटा। सो आंसर सही है, 2 केल्विन का इंक्रीमेंट हो रहा है करीब। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, आपको बोला जा रहा है बेटा 9.45 ग्राम ऑफ क्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है ना, इज डिसॉल्वड इन 500 ml ऑफ वाटर एंड द डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, KF आपको दे रखा है, ठीक है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आपको 0.5 दे रखा है, क्लियर। तो अपन क्या करेंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू के एफ इंटू एम, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपको क्लोरोएसिटिक एसिड जो एच ए दे रखा है वो आयनाइज हो रहा है बेटा H+ + A- में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो KF है आपका वो कितना है 1.86 I इज इक्वल टू क्या होगा 1+2 - 1 × α, मतलब 1+α I अपन को पता करना है बेटा, ठीक है। तो अपन लोगों को परसेंटेज डिसोसिएशन पता चलेगा, डेल्टा TF आपको कितना दे रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो आ रहा है 0.5 आ रहा है, I आपको पता करना है, KF आपको
1.86 दे रखा है। मोलल्टी की जहां तक बात है तो मोलल्टी क्या होगी, 1000 इंटू वॉट, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट आपका 9.45 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट जो आएगा। क्लोरोएसिटिक एसिड का बेटा मोलर मास आएगा आपका 94.5, और आपने जो है वाटर जो लिया है वो 500 ml है, तो वाटर की डेंसिटी भी 1 ग्राम पर ml के हिसाब से हम लोग बोलेंगे, 500 ग्राम लिया है अपन ने, तो ये आ गया 2, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपका हो गया कितना बेटा 0.1, ठीक है। तो I कितना आ जाएगा अपने पास, I आ जाएगा अपने पास 0.5 अपॉन 1.86, ठीक है। अच्छा, इस 0.1 को हटाएंगे तो यहाँ से आएगा 5 अपॉन 2, दैट इज 2.5 अपॉन 1.86, ये I की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, ये आएगा बेटा 1 प्लस, आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये 1 प्लस 0.344 आएगा, ठीक है। तो I को जब आप सॉल्व करोगे, इसको कंपेयर करो इसका I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा के साथ, तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो आएगी आपके पास 0.344, मतलब यहाँ पे ये 34.4% क्या होगा, आयनाइज होगा, ठीक है। सो आंसर आपका 34.4% हो गया, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो, आपको बोला जा रहा है अ सेट ऑफ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड यूजिंग 180 ग्राम ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट एंड 10 ग्राम ऑफ डिफरेंट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ए बी एंड सी। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ दीज सॉल्यूट्स आर इन ऑर्डर, ठीक है। आपको मोलर मास दे रखे बेटा, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, अपन लोग जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है। अच्छा, अगर अपन लोगों के पास सॉल्वेंट की गिवन अमाउंट सेम ही है तो अपन लोग बोलेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जिसके ज्यादा होंगे, ठीक है, मतलब अपन लोग इसको RLVP को बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जिसके ज्यादा है, मतलब वो क्या है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर उसका ज्यादा होगा। तो मोल ऑफ सॉल्यूट किसके ज्यादा होंगे, जिसका मोलर मास कम होगा, तो मोलर मास कम किसका है, सबसे ए का, फिर उसके बाद बी का, फिर सी का। सो आंसर आपका ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन सी, ठीक है। सो ये आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो, आपको बोला जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलल एक्वस CrCl3.XnH3 सॉल्यूशन इज 2 टाइम्स दैट ऑफ 0.05 मोलल एक्वस CaCl2, ठीक है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि जो क्वथनांक में उन्नयन है CrCl3.XnH3 के, ठीक है, वो 2 टाइम्स ज्यादा है 0.05 मोलल CaCl2 से, ठीक है। तो अपन लोग बोलेंगे भाई कि डेल्टा टीबी ऑफ, अगर इसको CrCl3 के सॉल्यूशन को 1 बोल दूं, ठीक है, और CaCl2 के सॉल्यूशन को 2 बोल दूं, तो इसका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट जो है बेटा पॉइंट ये 2 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, इसका वांट ऑफ फैक्टर जो है अपन को पता करना है CrCl3.XnH3 के सॉल्यूशन का इनटू KB इनटू मोलरिटी आपको कितनी दे रखी है 0.1, ठीक है, 2 इनटू व्हाट डेल्टा टीबी का वैल्यू कितना है यहाँ पे, इसका आई वांट ऑफ फैक्टर CaCl2 का वांट ऑफ फैक्टर होगा बेटा 3 CaCl2 के लिए, ठीक है, क्योंकि दो आयंस बनेंगे कैल्शियम और क्लोराइड आयन, 100% आयनाइजेशन मानना है अपन को कॉम्प्लेक्स और CaCl2 दोनों का। तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे कि आई की वैल्यू एन के बराबर होगी, तो ये 2 इंटू आई इंटू के बी इंटू मोलरिटी कितनी है आपकी 0.05, ठीक है। अब KB कैंसिल आउट हो गया बेटा, ठीक है। अब यहाँ से जो वांट ऑफ फैक्टर आ रहा है, ठीक है, वो कितना आ रहा है, ये आएगा आपका 6 × 0.5, ठीक है। अच्छा, तो I का वैल्यू आ रहा है 3, I का वैल्यू कितना आ रहा है वांट ऑफ फैक्टर का 3, अगर वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 3 आ रही है तो 1 प्लस जो है ये कितना आ रहा है, हाँ, अगर I 3 आ रहा है तो अपन लोगों को क्या करना है बेटा, CrCl3 जो कॉम्प्लेक्स है इसमें कितने आयन जनरेट होने चाहिए, 3, तो ऑब्वियस है 2 क्लोराइड आयन आयनाइजेशन स्फीयर में रहेंगे और बाकी के जो क्लोराइड आयन है वो ऐसा लिगेंड रहेंगे, तो यहाँ पे CrCl3Cl में से 2 बाहर रहेंगे, एक अंदर रहेगा, तभी इससे 3 आयन डेवलप होंगे, बाकी ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा बेटा, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यूजुअली क्रोमियम के कंपाउंड बनाएंगे,
तो यहाँ पे NH3 का होल 5 आएगा, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होगा, तो X की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5, ठीक है, सो आंसर इसका क्या होना चाहिए, 5, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखो। अच्छा, आपको बोला जा रहा है अ सॉफ्ट ड्रिंक वॉज बॉटल्ड विद पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एट 3 बार ओवर द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओके भाई, तो कोई अपन लोगों के पास कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ठीक है, जिसको अपन लोगों ने क्या करा है, किस प्रेशर पे भरा है बेटा, CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 आपका 3 बार है, ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ओवर सॉल्यूशन अप्रोचेस टू अ वैल्यू ऑफ 30 बार, ठीक है, व्हेन 44 ग्राम ऑफ CO2 इज डिसॉल्वड इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो 1 किलोग्राम वाटर मतलब 1 लीटर वाटर की अगर अपन बात करें तो सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी है 44 ग्राम, मतलब 1 मोल CO2 डिसॉल्वड इन 1 लीटर वाटर, यही मतलब हुआ, ठीक है। जब प्रेशर कितना बेटा, जब प्रेशर है आपका 30 बार, ठीक है, तो मतलब अपन लोग बोले यहाँ पे कि जब 3 बार प्रेशर है तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या रही होगी CO2 की, तो CO2 जो सॉल्युबल रहा होगा वो रहा होगा बेटा आपका 0.1 मोल इन 1 लीटर वाटर, ठीक है, क्यों भाई, सही है ना। अच्छा, तो ये आपका CO2 की सॉल्युबिलिटी आ गई कि 1 किलोग्राम वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी जो है उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो है कितनी रही होगी, 0.1 मोल पर लीटर के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो है कितना है, 3 बार है ना। यहाँ पे उन्होंने एक क्लू दे रखा है अपन लोगों को कि 30 बार अगर अपन लोगों का प्रेशर है तो CO2 जो डिजोल्व होगी वो 44 ग्राम डिजोल्व होगी पर लीटर, मतलब 1 मोल डिजोल्व होगी। अब अपन से पूछा जाता है कि यहाँ पे जो है अप्रोक्सीमेट पीएच ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक क्या होगी, तो अप्रोक्सीमेटली पीएच कितनी आएगी, इसको सॉल्व करते हैं। तो एक काम तो समझ में आ गया अपन लोगों को, CO2 जो डिजोल्व होगी, ठीक है, CO2 वाटर के साथ डिजोल्व होगी किस फॉर्म में बेटा, ये आपका H2CO3 के फॉर्म में चली जाएगी, ठीक है। तो H2CO3 की कंसंट्रेशन कितनी आ गई यहाँ पे, 0.1 मोल पर लीटर, ठीक है, यही मतलब हुआ। अब देखो H2CO3 पानी में क्या होने लगेगा बेटा, आयनाइज होगा, तो H2CO3 जब आयनाइज होगा तो अपन लोगों को आयनाइजेशन कांस्टेंट की भी जरूरत पड़ेगी, तो आपको H2CO3 का फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट आपको दे ही रखा है, फर्स्ट डिसोल्यूशन कांस्टेंट ऑफ H2CO3 आपको कितना दे रखा है, 4 × 10⁻⁷4 × 10⁻⁷, ये के का वैल्यू दे रखा है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन की सी नॉट है तो सी नॉट में से ये कितना चला गया, सी नॉट अल्फा और सी नॉट अल्फा, ठीक है। अच्छा, तो अपन लोगों को H प्लस चाहिए, H प्लस कितना आएगा, H प्लस आएगा बेटा, अपन लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये आता है अपन के पास अंडर रूट ऑफ के ए इंटू सी नॉट, ठीक है, और ये के ए वन है, ठीक है, क्योंकि सेकेंड आयनाइजेशन कांस्टेंट बहुत कम रहा होगा, जब पहले ही इतना कम है तो वो करीब 10⁻⁴ के ऑर्डर का आता है, तो सेकेंड आयनाइजेशन जो कांस्टेंट रहेगा, मतलब सेकेंड आयनाइजेशन इसका कंसीडर अपन लोग नहीं करेंगे, जो मेन एच प्लस आयन है वो फर्स्ट स्टेप से ही अपन लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है के कितना आ रहा है बेटा, के वन आ रहा है आपके पास 4 × 10⁻⁷, और सी नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है, कंसेंट्रेशन जो आ रही है वो आ रही है कंसेंट्रेशन 0.1, ठीक है, तो अपन लोग यहाँ पे ये 10⁻⁸ हो गया, तो 2 × 10⁻⁴, ठीक है, ये क्या आ जाएगा बेटा, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अब pH निकालना है अपन को, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, अपन लोग लिखेंगे 4 − log 2 आ जाएगा इसका, ठीक है, तो 4 − log 2 कितना होता है, 3.7, तो इसका आंसर जो आएगा बेटा वो कितना आएगा, 10⁻⁶ के टर्म्स में देना है तो 37 × 10⁻⁶ आएगा इसका आंसर, ठीक है, तो 37 विल बी द आंसर हियर। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आपको बोला रहे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 0.1 एटमॉस्फेयर एंड दैट ऑफ ग्लूकोज इज 0.2 एटमॉस्फेयर। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मड बाय मिक्सिंग 1 लीटर ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन विद 2 लीटर ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, ठीक है भाई, आपको बोला जा रहा है बेटा अपन ने 1 लीटर मिलाया
तो अपन लोगों ने फॉर्मूला एक पढ़ा होगा बेटा, अगर अपन लोग बाइनरी सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो दोनों इंडिविजुअल सॉल्यूशन का जो है पाई वन वी वन प्लस पाई टू वी टू, ठीक है, अपॉन वी वन प्लस वी टू, ये अपन लोगों का नेट ऑस्मोटिक प्रेशर का रिजल्ट आता है। तो पहले का जो ऑस्मोटिक प्रेशर अपन को दे रखा है वो कितना है 0.1, ठीक है, NaCl के सॉल्यूशन का। अपन लोगों ने उसको कितनी अमाउंट में लिया है 1 लीटर, ठीक है। पाई टू आपको कितना दे रखा है ग्लूकोज का 0.2, इसकी अमाउंट कितनी ली है अपन ने 2 लीटर, और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 3 लीटर। तो नेट ऑस्मोटिक प्रेशर कितना क्या हो गया, ठीक है, अपन लोगों को कितना आ रहा है बेटा, ये आ रहा है आपका 0.1 प्लस 0.4 मतलब 0.5 बाई 3, ठीक है, ये नेट ऑस्मोटिक प्रेशर आ रहा है। तो अपन लोग बोलेंगे ये आपका 5, ओके, 100 कर दो उसको इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन 3, सो ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये आएगा बेटा निकटतम पूर्णांक में बताना है तो 3, 1, ओके, और फिर उसके बाद 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो अपन लोगों को निकटतम पूर्णांक क्या लिखेंगे इसका राउंड फिगर में 167, ठीक है, सो 167 इसका आंसर आएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा, आपको बोला जा रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ नॉर्मल हेक्सेन और 3 मोल ऑफ नॉर्मल हेप्टेन इज 550, ओके भाई, एक अच्छा आगे बोला जा रहा है एट द सेम टेम्परेचर 1 मोल ऑफ मोर नॉर्मल हेप्टेन इज एडेड टू द सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस बाय 10 mm ऑफ मर्करी, व्हाट इज द वेपर प्रेशर इन mm ऑफ मर्करी ऑफ नॉर्मल हेप्टेन, ठीक है, तो नॉर्मल हेप्टेन को अपन लोग 1 मोल ऐड करा रहे हैं, तो एक काम करते हैं अपन लोग इसको ए मान लो बेटा नॉर्मल हेक्सेन को और इसको बी मान लो, ठीक है, तो फॉर्मूला अपन लोग जानते हैं कि भाई जो वेपर प्रेशर होता है, अपन लोग एक काम करते हैं पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ठीक है, इनटू क्या करें इसको, एक काम करो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ठीक है, इनटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी कर दो, ठीक है ना। अच्छा यहां पे आपको पहले आपने जो है वेपर प्रेशर बोल रहे हैं कि 550 है, 550 इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ठीक है, और एक्स ए की वैल्यू कितनी बेटा, 1 मोल अपन ने लिया और 3 मोल उसके लिए थे, तो 1/4 प्लस पी नॉट बी, ये पहली इक्वेशन बना के छोड़ दो। अब आपने जब बी के 1 मोल को और ऐड कर दिया तो ए के मोल तो 1 ही है, ठीक है, अच्छा लेकिन यहाँ पे वेपर प्रेशर कितना हो गया 560 इज इक्वल टू व्हाट पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ठीक है, इनटू व्हाट 1/5 हो गया, ठीक है, प्लस पी नॉट कितना हो गया बेटा बी, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब एक काम करते हैं इसमें कि अपन लोग इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 1/5 से, और यहाँ पे क्या करें बेटा जो है इसमें आप 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 110, ठीक है, 1/5 से मल्टीप्लाई करा और ठीक है लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इसमें 1/5 से, तो ये आ जाएगा आपका पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू व्हाट बेटा 1/20 प्लस 1/5 या पी नॉट बी बाई 5, ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आप इसमें 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/4 से मल्टीप्लाई करा तो आपका 140 आ जाएगा, 4 एकम 4 16, और यहाँ पे पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ठीक है, और ये 1/20, ठीक है, ऐसा क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मुझे पी नॉट बी चाहिए, ठीक है, अच्छा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर नॉर्मल हेप्टेन चाहिए था तो यहाँ पे मैंने पी नॉट बी बाई 4 कर दिया बेटा, ठीक है, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो आप, ठीक है, तो क्या बचा है यहाँ से आ रहा है आपका 30, ठीक है, समझ रहा बात को, 110 और 140, तो ये आ रहा है 30 और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है,
और यहाँ पे आ रहा है पी नॉट बी 1/4 - 1/5, ठीक है, 1/4 - 1/5, तो यहाँ से आएगा पी नॉट बी, ये आ रहा है 1/20 और ये कितना आ रहा है बेटा 30, तो पी नॉट बी कितना आ गया यहाँ से 600, ठीक है। सो आंसर अपना कितना आएगा इसका 600 mm ऑफ मरकरी, ठीक है ना, आसान क्वेश्चन था। ओके बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, आपको क्या बोला जा रहा है, हेनरीज कांस्टेंट फॉर फोर गैसेस अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा इन वाटर एट 298 केल्विन इज गिवन बिलो। ओके भाई, है ना, आपको बोला जा रहा है दिस टेबल इंप्लाइज दैट। ओके भाई, इसमें क्या अपन लोग इस सारणी से क्या तात्पर्य निकालें, के एच आपको दे रखा है 50 अल्फा के लिए, बीटा के लिए 2, ये सब कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है, थीके? आप इसके जरा ऑप्शंस पढ़ो बेटा, तो प्रेशर ऑफ 55.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ गामा इज 1 bar, ठीक है, सो वी कैन नॉट से एनीथिंग। ओके इसको सॉल्व वॉल्व करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, ठीक है, 1 bar प्रेशर पे, तो जरा दूसरे ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं अपन लोग। आपको बोला जा रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गामा एट 308 केल्विन इज लोअर देन 298 केल्विन, ये बात सब लोग जानते हैं कि भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के एच की वैल्यू बढ़े आएगी, और के एच वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा बेटा, सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है किसी भी गैस की जो होती है, ठीक है, चाहे वो गामा अल्फा बीटा कोई भी हो, है ना, 308 पे 298 केल्विन से कम होगी तो हायर टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी घटेगी, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बाकी तो फालतू आपको उलझाया गया था इस चार ऑप्शंस में ताकि आप जो है टाइम वेस्ट करो अपना, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन से भी थोड़ा अपन लोगों को बच के चलना होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये भी देखो बेटा, और ये भी हेनरीज लॉ पे बेस्ड है। हायर द वैल्यू ऑफ के एच एट अ गिवन प्रेशर, ठीक है, हायर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, तो ये तो गलत है भाई, के एच जितना ज्यादा हुआ किसी भी गैस का उसका सॉल्युबिलिटी उतना कम होगा, ठीक है। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट के एच वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर, ये बात सही है बेटा कि जो के एच वैल्यू है वो क्या है, अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होता है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेस इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन, ये भी सही है भाई, जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के ही होता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। अब आपको बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ के एच इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड के एच इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ द गैस, ठीक है भाई, ये भी करेक्ट है, और इंक्रीज होता है के एच टेम्परेचर के साथ, ये भी करेक्ट है। तो अपन लोगों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा दिखा बेटा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट वो बोल रहे हैं फर्स्ट ही सबसे ऐसा स्टेटमेंट लग रहा है जो बिल्कुल अब्रप्टली जो है रैंडम स्टेटमेंट लिखा गया है, हायर द वैल्यू ऑफ के एच एट अ गिवन प्रेशर, ठीक है, हायर द सॉल्युबिलिटी, तो यही आपका इनकरेक्ट है, तो आंसर आपका यही जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और हमसे नॉट करेक्ट ही पूछा गया है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आपको बोला जा रहा है सॉल्यूशन कंटेनिंग 62 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल एंड 250 ग्राम ऑफ वाटर इज कूल्ड टू -10°C। ओके भाई, इफ केएफ ऑफ वाटर इज 1.86 द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम सेपरेटेड एज आइस, तो देखो बेटा इस तरीके का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, अपन जो सॉल्यूशन अपने पास है एक्चुअली उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कहीं -10 से ऊपर ही रहा होगा, क्लियर, मतलब -5, -6, -7 ऐसा। अगर आप उसको बिलो फ्रीजिंग पॉइंट लाते हो तो इसका मतलब जो वाटर रहा होगा उसके अंदर वो फ्रीज होना स्टार्ट हो गया होगा, और जो सॉल्यूशन बचा होगा, ठीक है, जिसके अंदर इथिलीन ग्लाइकोल मौजूद है, ठीक है, उसमें क्या है, उस सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग फ्रीजिंग पॉइंट क्या आया होगा, -10°C। तो एक्चुअली यहाँ पे सॉल्वेंट की अमाउंट फ्रीज हो जाएगी कुछ, ठीक है, और जो बचा हुआ सॉल्वेंट होगा जिसके अंदर बाकी का रिमेनिंग इथिलीन ग्लाइकोल है, मतलब 62 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल है, उस बाइनरी सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, -10°C, ठीक है। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे लॉजिक क्या है कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू व्हाट, केएफ इनटू एम, आई की वैल्यू तो 1 होती है यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकोल की, तो अपन लोगों को लेना है यहाँ पे 10 डिग्री का जो है डिप्रेशन हो रहा है, 1000 इनटू केएफ आपको 1.86 दे रखा है, ठीक है,
और मोल आपने कितने ले रखे हैं, इथिलीन ग्लाइकोल के 62, ठीक है, डिवाइडेड बाय इथिलीन ग्लाइकोल का मोलर मास, ठीक है। अच्छा जी, और यहाँ पे आपने जो है मास ऑफ सॉल्वेंट पता करना है बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब मास ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा, इथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है भाई, CH2 OH, ठीक है। इसका अगर आप मोलर मास निकालोगे तो 12 12 24 प्लस 16 16 32, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 4 10 2 12, और यहाँ पे 3 2 5 6, ठीक है। तो ये आ गया बेटा 62, है ना, तो ये भी 62 आ गया, तो 62 62 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो अब अपन के पास जो वेट ऑफ वाटर बचा, ठीक है, वो कितना बचा, 180, मतलब वेट ऑफ वाटर क्या रहा होगा सॉल्यूशन के अंदर, 186 ग्राम, ठीक है। आपने इनिशियली लिया कितना था बेटा, 250 ग्राम, तो एक्चुअली जो आइस का वेट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, 250 आपने लिया था, उसमें से 186 क्या हो गया, फ्रीज हो गया, तो 10 में से 6 गया 4 और 15 में से 9 गया, ठीक है, जो है आपका 6, तो 64, ठीक है, 64 ग्राम इसका आंसर आएगा, ठीक है। सो आंसर विल बी फर्स्ट, है ना। तो ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान भी रखो आगे के लिए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बोला जा रहा है बेटा, लिक्विड ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन इन द एंटायर कंपोजिशन रेंज, ठीक है भाई, दो कोई बाइनरी सॉल्यूशन बना रहे हैं हम लोग, लिक्विड ए और बी का। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड बी आपको दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली, द कंपोजिशन ऑफ द वेपर इन इक्विलिब्रियम विद अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 mole% ऑफ ए एट दिस टेम्परेचर, ठीक है। तो अपन लोगों को कंपोजिशन वेपर फेस निकालना है, तो अपन लोग एक काम करते हैं कि वेपर फेस में जो कंपोजिशन है, ठीक है, वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। आपको कंपोजिशन इन जो है सॉल्यूशन में तो दे रखा है, ठीक है, मोल परसेंटेज का कंपोजिशन दे रखा है आपको। तो अपन क्या करें, वेपर फेस में जो फॉर्मूला है अपन लोग जानते हैं कि ए का जो कंपोजिशन होगा वेपर फेस में वो क्या होगा बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पी टोटल, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होता है बेटा, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टोटल, ठीक है, और पी टोटल कितना होगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। अच्छा जी, अब अपन लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पी नॉट ए जरा देखो, पी नॉट कितना है, 7 × 10⁻³, तो 7 × 10⁻³, एक्स ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, एक्स ए की वैल्यू है 40 mole%, तो मतलब 40 mole% का मतलब हुआ 0.4, तो 7 × 10⁻³ × 0.4, ठीक है, प्लस पी नॉट बी कितना है अपने पास, पी नॉट बी है आपके पास 12 × 10⁻³, तो 12 × 10⁻³। एक्स बी कितना है अपने पास, एक्स बी देखो ऑब्वियस है, अगर ये 0.4 हो गया तो ये 0.6 हो जाएगा बेटा, 10³ तो कॉमन ले लो ऊपर से, ठीक है, ऊपर क्या आया बेटा 2.8, और यहाँ पे क्या आ रहा है 2.8 प्लस 7.2, ठीक है, तो ये हो गया 10, अच्छा तो ये कितना आ जाएगा 0.28, है ना। अच्छा, तो ये मोल फ्रैक्शन आ गया क्या ए का वेपर फेस में, ठीक है, अगर ए का मोल फ्रैक्शन वेपर फेस में 0.28 है तो बी का कितना होगा बेटा 0.72, तो आंसर अपन के पास ये दिख रहा है अपन को 0.28 एंड 0.72, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 देखो, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 molar सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 2 kelvin, ओके, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर द 2 molar सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन द सेम सॉल्वेंट इज 2 kelvin, द रिलेशन बिटवीन केबी एंड केएफ इज, ओके भाई। अब देखो आपको दे रखा है बेटा कि भाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जो सॉल्यूशन वन है जिसकी मोलरिटी कितनी है 1 molar, ठीक है, वो क्या बेटा डेल्टा टी एफ, ये जिसकी सॉल्यूशन की मोलरिटी जो है 2 molar है उसके अंदर अपन लोग ले रहे हैं, वो भी 2 kelvin ही आ रही है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अपन लोग क्या लिखेंगे इसको, के बी इंटू वॉट, मोलरिटी कितनी है अपने पास, ये दोनों का वैल्यू 2 kelvin आ रहा है, मोलरिटी अपन लोग बोल रहे हैं m1 है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे
क्या हो रहा है बेटा, डेल्टा टी एफ ग्लूकोज है तो आई वॉन्ट ऑफ फैक्टर भी सेम रहेगा ही, है ना, और वो वन रहेगा, ठीक है। ये आ रहा है आपका के एफ इंटू वॉट एम टू, ठीक है। अच्छा जी, अब के एफ और के बी में रिलेशन अपन को पूछा है कि रिलेशन बिटवीन के एफ एंड के बी, तो के बी इंटू वॉट मोलरिटी कितनी है बेटा, वन मोलर अपन लोगों ने लिया है इनिशियली, और ये कितना आ रहा है के एफ इंटू टू मोलर, तो अपन लोग बोलेंगे के बी जो आ रहा है वो टू के एफ के बराबर आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर वन करेक्ट हो गया, क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 देखो बेटा, आपको बोला जा रहा है कि इसको कैसे हम लोग सेपरेट करते हैं, तो पहला ऑप्शन क्या है अपने पास, सुगर और वाटर का, वाटर से सुगर कैसे पृथक करेंगे, फिर वाटर और एनिलीन का, और वाटर एंड टोलुइन का। तो देखो बेटा, जहां तक वाटर और सुगर की बात है, तो सुगर को जो है अपन लोग जो है पहले वाटर को इवेपोरेट कर दें और फिर उसके बाद उसको रिक्रिस्टलाइज कर दें, ठीक है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा, वाटर को जो है अपन लोग इवेपोरेट कर दें, ठीक है, तो ये रिक्रिस्टलाइज हो जाएगी सुगर। वाटर और एनिलीन, ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर आएगा, ठीक है, और जो है इस तरीके का केस जो है अपन लोग स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं वाटर और एनिलीन का, ठीक है। लेकिन फिर भी अपन लोग देखें, पहले तो ए और क्यू का सिर्फ एक ही ऑप्शन, एक ही मैचिंग क्यू है, कंफर्म है, ठीक है, तो एक ही मैचिंग क्यू दो ऑप्शन मिल रही फर्स्ट और फोर्थ में, ठीक है। अब अपन लोग देखें सी जो है वाटर और टोलुइन, ठीक है, तो वाटर और टोलुइन इमिसिबल लिक्विड है, ठीक है, तो अपन लोग देखेंगे यहाँ पे कि इनको जो है अपन लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे बेटा अपन लोग डिफरेंशियल एक्सप्रेशन से इनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, तो डिफरेंशियल एक्सप्रेशन तरीके से अपन लोग, ठीक है ना, एक फनल लेते हैं जिसमें अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से जो है उसको सेपरेट कर सकते हैं, और ये जो है वाटर और एनिलीन जो है एक स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं, तो इसकी मैचिंग जो आ रही है ए की क्यू बी की आर, ठीक है, ए की क्यू और बी की आर, और सी की क्या होगी बेटा, मतलब ऑप्शन अपन लोगों को सीधा सीधा दिख ही रहा था, ठीक है, दो ऑप्शन तो सीधे सीधे डिस्कार्ड कर देंगे अपन लोग, है ना। अब सी का मैचिंग जो होगा एस होगा या पी होगा, तो अपन लोगों को दिख रहा है बेटा कि सी का मैचिंग एस और पी तो नहीं हो सकता, सब्लिमेशन तो नहीं हो सकता, सो एस ही होगा, ठीक है, समझ में आ गया। एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत है, है ना, बट एक थ्योरेटिकल और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की थी। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा गया है ये कि भाई कितना दूध के अंदर पानी मिलाया गया है, तो बोला जा रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ डाइल्यूटेड मिल्क सैंपल इज फाउंड टू बी -0.2 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाइल इट शुड बी हैव बीन ऑफ 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड ओरिजिनल जो प्योर मिल्क है उसका होना चाहिए था, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट ये कितना जा रहा है -0.2 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर प्योर मिल्क। हाउ मच वाटर हैज बीन एडेड टू प्योर मिल्क टू मेक डाइल्यूटेड सैंपल, तो देखो बेटा यहाँ पे आपको जो ओरिजिनल मिल्क है, ठीक है, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए -0, इसमें डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कितना होना चाहिए 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड का, ठीक है, और डाइल्यूटेड जो मिल्क है, तो डाइल्यूटेड मिल्क में जो डेल्टा टी एफ है वो कितना है 0.2 डिग्री का, ठीक है। अच्छा, तो अगर अपन लोग देखें यहाँ पे कि जो डेल्टा टी एफ ओरिजिनल है ना, या डेल्टा टी एफ डाइल्यूटेड मिल्क का जो है डाइल्यूटेड एंड डेल्टा टी एफ फॉर ओरिजिनल, इन दोनों का जो रेशियो आना चाहिए, ठीक है, वो क्या आना चाहिए बेटा, ऑब्वियस है इनकी कंसंट्रेशन अलग अलग होगी, मोलरिटी अलग अलग होगी, तो के एफ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अपन लोग बोलेंगे मोलरिटी ऑफ डाइल्यूटेड सोल्यूशन अपॉन मोलरिटी ऑफ ओरिजिनल सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा जी, अब सपोज बेटा अपन लोग बात करें यहाँ पे कि वेट ऑफ सॉल्वेंट, भाई जो सोल्यूट की अमाउंट तो सेम है, ठीक है, सोल्यूट की सेम अमाउंट रखते हैं और हम लोग देखते हैं कि वाटर की अमाउंट क्या है फॉर द सेम अमाउंट ऑफ सोल्यूट,
तो अपन लोग ले रहे हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सेम है, तो जो सॉल्वेंट है वेट ऑफ वॉटर, ठीक है, जो ओरिजिनल सोल्यूशन में है और वेट ऑफ वॉटर जो डायल्यूटेड सोल्यूशन में है, ठीक है, ये रिवर्स में चला जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि सॉल्वेंट जो है मोलरिटी के फॉर्मूले में नीचे आता है, तो ये पूरा रिवर्स फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो इसमें ये कितना आ रहा है, डेल्टा टी एफ डायल्यूटेड सोल्यूशन के लिए आपको दे रखा है 2, है ना, और डेल्टा टी एफ ओरिजिनल सोल्यूशन के लिए दे रखा है 5, ठीक है। अच्छा, ये कितना आ रहा है बेटा, वेट ऑफ वाटर ओरिजिनल सोल्यूशन का मान के चलो W है, और ये आपका वेट ऑफ डायल्यूटेड सोल्यूशन है, वेट ऑफ वाटर इन डायल्यूटेड सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, तो अपन लोग बोल रहे हैं कि वेट ऑफ वाटर W इन डायल्यूटेड सोल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट, वेट ऑफ वाटर इन ओरिजिनल सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 5/2, ठीक है। अच्छा, तो अगर सपोज करो बेटा अपन लोग वेट ऑफ वाटर इन ओरिजिनल सोल्यूशन, ठीक है, मान के चलो 2 किलोग्राम मिल्क लेते हैं, तो उसमें ऑलमोस्ट 2 किलोग्राम पानी होगा, ठीक है, अगर हम लोग जो सोल्यूट की अमाउंट है वो काफी कम माने तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इसको 2 किलोग्राम लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वेट ऑफ डाइल्यूटेड वाटर कितना होगा, वेट ऑफ वाटर इन डाइल्यूटेड मिल्क इज इक्वल टू व्हाट, 5 kg, ठीक है। मतलब अपन लोगों ने 2 किलोग्राम मिल्क अगर लिया था लगभग, ठीक है, ओरिजिनल, तो वो जो है डाइल्यूटेड होने के बाद कितना हो जा रहा है, लगभग 5 किलोग्राम, ठीक है। अच्छा, मतलब अपन लोग बोलेंगे कि अपन ने क्या करा, 2 कप मिल्क, ठीक है, मैं 3 कप पानी का मिलाया, ठीक है, तो 2 कप ऑफ मिल्क एंड 3 कप ऑफ वाटर, ठीक है। सो अब देखो 3 कप ऑफ वाटर का ऑप्शन कौन सा है, ठीक है, देखो यहाँ पे 2 कप वाटर नहीं, 3 कप ऑफ वाटर एंड 2 कप ऑफ प्योर मिल्क, है ना, ये आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है K2HgI4 is 40% ionized in aqueous solution, the value of its want of factor I, ठीक है, तो K2HgI4 का want of factor अपन को पता करना है, तो अपन लोगों को पता है कि इसका जब आयनाइजेशन होगा तो यहाँ पे 2 पोटेशियम आयन जाएंगे बेटा, और यहाँ पे HgI4 2- में ये इस तरीके से आयनाइज होगा, तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर की जहां तक बात है, तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा, 1+N-1 × α, ठीक है, 1+N कितना बेटा, 3, तो 2α हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो I कितना आएगा यहाँ पे, I जो है वॉन्ट ऑफ फैक्टर अपन को पता करना है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आपको दे रखा है 40% आयनाइज, तो अल्फा कितना आ रहा है, 0.4, तो 1+2 × 0.4 दैट कम्स आउट टू बी व्हाट, 1.8, ये क्या आ रहा है, 1.8, सो आंसर हो गया क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, फ्री नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आपको 24 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ 4% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ x इज इक्वल टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 12% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ y, ठीक है भाई, इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ x इज a देन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ y, तो देखो बेटा अगर फ्रीजिंग पॉइंट दोनों के इक्वल हैं x और y के, तो अपन लोग बोलेंगे डेल्टा टी एफ ऑफ सॉल्यूशन x इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ ऑफ सॉल्यूशन y, ठीक है, वो भी इक्वल होने चाहिए, तो अपन लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे भाई कि इसका जो अपन लोगों को 4% कंसंट्रेशन दे रखा है, अपन यहाँ पे के एफ ले लें बेटा, ठीक है। अच्छा, और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर का लेना पड़ेगा अपन को, ठीक है, क्योंकि मेंशन ही नहीं है कुछ, तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर दोनों का 1 लेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या है बेटा, अपन लोग देख रहे हैं कि भाई मोलरिटी फाइंड आउट करनी है, तो इसकी मोलरिटी एम ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, के एफ इंटू एम ऑफ वाई, ठीक है। अच्छा जी, तो मोलरिटी का जो फॉर्मूला आएगा परसेंटेज के टर्म्स में, ठीक है, 1000 × व्हाट, आपने 4% एक्वस सॉल्यूशन लिया, तो 4 ग्राम सोल्यूट का वेट हो गया, ठीक है, अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ एक्स, और 96 ग्राम क्या हो गया आपका वाटर, यहाँ पे 1000 × व्हाट आपने क्या लिया बेटा, 12 ग्राम क्या लिया, वाई को लिया, और यहाँ पे 88 ग्राम वाटर हो गया, और एम ऑफ वाई, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ से 1000 1000 ये कैंसिल आउट करो,
और अपन लोगों को निकालना है कि भाई मॉलिकुलर वेट ऑफ वाई क्या होगा अगर एक्स का मॉलिकुलर वेट आपको ए दे रखा है, तो एम ऑफ वाई क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 12 × 96 / 4 × 88, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, ये आएगा बेटा 4 × 2 = 8 और ये 4 × 16, ठीक है। अच्छा फिर अपन लोग इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 22 है ना, और ये कितना आएगा 3, यहाँ पे 24 × 72 / 22 और ये कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा 3. है ना 27 समथिंग कुछ आएगा, क्लियर। अब देखो इसमें ऑप्शंस जो दे रखे हैं उसमें सबसे क्लोजेस्ट आंसर जो है अपन लोग क्या लिखेंगे कि भाई एम वाई जो होगा, ठीक है, वो 3.27 टाइम्स ऑफ एम ऑफ एक्स होगा। एम ऑफ एक्स क्या है आपका ए, तो यहाँ पे अपन लोग बोलेंगे कि एम ऑफ वाई जो होगा वो 3 ऑफ ए होगा, ठीक है। सो आपका ये फर्स्ट हो गया, है ना। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में, मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड डाइमराइजेस इन बेंजीन, W ग्राम ऑफ द एसिड डिसॉल्वड इन 30 ग्राम ऑफ बेंजीन शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन इज इक्वल टू 2 केल्विन, ठीक है ना। इफ द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ द एसिड टू फॉर्म डाइमर इन द सॉल्यूशन इज 80% एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, देन W इज, तो देखो बेटा यहाँ पे आपको डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाना है, आई इंटू के एफ इंटू एम, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपको आई कैसे निकालना होगा, आई इज इक्वल टू 1 + 1/(n-1)β, ठीक है। अच्छा 1 + 1/(n) डाइमराइज हो रहा है तो n की वैल्यू कितनी हुई 2, तो 1 - 1/2 और यहाँ से आएगा β/2, बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 1 - बीटा आपका है आप जो है कितने परसेंट है 80%, तो मतलब ये हो गया 0.8 है ना, डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से आएगा 0.4, तो 1 - 0.4 इज इक्वल टू 0.6, ठीक है। तो आई की वैल्यू आ गई 0.6, अगर ये 0.6 आ गया, के एफ आपको कितना दे रखा है, के एफ आपको दे रखा है 5 है ना। अच्छा मोलरिटी आपको जो है यहाँ पे W ग्राम ऑफ एसिड को डिसॉल्व करा गया 30 ग्राम बेंजीन में, तो यहाँ पे अपन लोग लेंगे कि W ग्राम अपन ने सॉल्यूट लिया एसिड को, है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट 30 ग्राम है, ठीक है, और यहाँ पे जो बेंजोइक एसिड है, ठीक है, उसका आपको मोलर द्रव्यमान कितना दे रखा है बेटा 122, ठीक है। अच्छा जी, तो अब अपन लोगों को क्या करना है, अपन लोगों को निकालना है W, ठीक है, और ये फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन अपन लोगों को 2 केल्विन दे रखा है, ठीक है। तो अपन लोग देखें यहाँ पे ये कितना हो गया बेटा, इसको अपन लोग 10 हटा के ये डेसिमल पहले उड़ाओ, तो 6 × 5 = 30, 30 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अच्छा तो W आ गया आपका 244/100, दैट इज व्हाट 2.44, ये आपका आ गया W, ठीक है ना। सो ये 2.4 विल बी द आंसर, है ना। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी 400 and 600 mm ऑफ मर्करी रिस्पेक्टिवली एट 298 केल्विन, ऑन मिक्सिंग द टू लिक्विड्स द सम ऑफ देयर इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द फाइनल मिक्सचर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, फाइनल मिक्सचर का जो वॉल्यूम है वो इनिशियल ए और बी के वॉल्यूम्स के सम के बराबर है, ठीक है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड बी इन इज इन द 0.5 इन द मिक्सचर, द वेपर प्रेशर ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स ए एंड बी इन द वेपर फेस, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पे पहली बात तो ये कि यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है क्योंकि डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो है ना। अब अपन लोगों को निकालना है कि वेपर प्रेशर क्या होगा, तो रॉल्स लॉ से अपन लोग जानते हैं पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे पी नॉट ए कितना है, पी नॉट ए है आपका 400, ठीक है, इंटू 0.5 प्लस 600 × 0.5 ए और बी दोनों का, तो यहाँ पे 200 प्लस 300 आ गया 500, ठीक है। सो 500 mm ऑफ मरकरी पहला, तो अपन लोग दूसरा या तीसरा या चौथा ऑप्शन होगा,
क्लियर। अब अपन लोगों को निकालना है कि भाई वेपर प्रेशर फाइनल सॉल्यूशन के अलावा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी इन वेपर फेस, ठीक है। तो देखो बेटा, अपन लोग बोलेंगे कि मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस ऑफ ए विल बी इक्वल टू व्हाट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन वेपर फेस अपॉन वेपर प्रेशर, ठीक है, टोटल। तो ये कितना आता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी टोटल, तो अपन लोग निकाल ही चुके हैं बेटा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, सो दिस इज व्हाट 500। अच्छा, ये पी नॉट ए कितना है आपका, पी नॉट ए आ रहा है 400 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, दैट इज व्हाट 200। तो 200 अपॉन 500, तो 200 अपॉन 500 हो जाएगा आपका 2/5, ठीक है, सो 2/5 दैट इज व्हाट 0.4। तो वाई ए कितना आएगा, ये आएगा 0.4 के बराबर, ठीक है। सो वाई ए आ जाएगा आपका 0.4 और वाई बी क्या आएगा 0.6, सो आंसर आपका 4th हो गया। बढ़े आगे, नाउ 27 नंबर देखो, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ गैसेस डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड इन वाटर द हेनरीज लॉ कांस्टेंट के एच फॉर आर 0.5 टू 35 एंड 40, ठीक है, किलो बार रिस्पेक्टिवली, द करेक्ट प्लॉट फॉर द गिवन डेटा इज, ठीक है, तो करेक्ट प्लॉट फॉर द गिवन डेटा इज क्या होगा, सी अपन लोगों को पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन इन वाटर, वाटर मतलब सॉल्वेंट बेटा, अपन लोग जो जानते हैं हेनरीज लॉ, ठीक है, उसमें जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू व्हाट, के एच इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। अच्छा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्वड इनटू द वाटर या इनटू लिक्विड सॉल्वेंट, अब यहाँ पे जो है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के टर्म्स में हमें आंसर नहीं करना है, हमें करना है जो ग्राफ बने हैं वो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के टर्म्स में करना है। तो अगर बाइनरी सॉल्यूशन मानते हैं हम लोग, तो इसको 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो प्रेशर ऑफ गैस आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द लिक्विड, वो आएगा के एच माइनस के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा जी, तो अब देखो बेटा यहाँ पे जो ग्राफ अपन को दे रखे हैं डब्ल्यू एक्स वाई और जेड के, उसमें हमें ये देखना होगा कि ये जो इसका जो ग्राफ आ रहा है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर वर्सेस एक्स ऑफ वाटर का, ठीक है, वो ग्राफ कैसा आने वाला है, इस तरीके का, है ना, जहां पे ये आपका क्या बता रहा है, इंटरसेप्ट, और इसकी स्लोप क्या होगी बेटा, माइनस के एच, ठीक है। तो जिसका इंटरसेप्ट बड़ा होगा उसकी स्लोप भी ज्यादा नेगेटिव होगी, ठीक है। तो कहने का ये मतलब हुआ यहाँ पे कि 0.5 टू 35 एंड 40 किलो बार आपको ये क्या दे रखा है, के एच का वैल्यू दे रखा है, यस और नो, है ना। तो किसके लिए अपन लोग जो है ग्राफ कौन सा होगा, तो जिसका के एच ज्यादा होगा उसका इंटरसेप्ट भी ज्यादा होगा बेटा। तो अगर हम देखें तो जेड का के एच सबसे ज्यादा है, तो जेड सबसे ऊपर होना चाहिए, ठीक है, सभी ग्राफ में ऊपर है। अच्छा, ये दो ग्राफ हो नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग स्लोप है, जबकि स्लोप नेगेटिव आएगी। अब आंसर जो है इन दोनों में से होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब जिसका जो है इंटरसेप्ट ज्यादा है उसकी नेगेटिव स्लोप भी ज्यादा है, तो यहाँ पे देखो बेटा जेड की स्लोप ऑलमोस्ट जीरो के बराबर, ठीक है ना, और यहाँ पे एक्स की स्लोप और डब्ल्यू की स्लोप ज्यादा शो करी जा रही है, जबकि के एच की वैल्यू जो है उनकी कम है, है ना। तो यहाँ पे जेड की जो है स्लोप सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी, तो आंसर अपन का 4th जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है, लिक्विड एम एंड लिक्विड एन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एम एंड एन आर 450 एंड 700 mm ऑफ रिस्पेक्टिवली, देन करेक्ट स्टेटमेंट, मोल फ्रैक्शन आपको xm दे रखा है सॉल्यूशन फेस में, और xn जो है मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, ym मोल फ्रैक्शन ऑफ m इन वेपर फेस एंड yn मोल फ्रैक्शन ऑफ n इन वेपर फेस, ठीक है बेटा। अच्छा, तो ये तो पूरी कहानी हो गई इसकी। अब अपन लोगों को क्या बोला जा रहा है कि भाई ये रिलेशन एस्टेब्लिश करो, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि भैया जो वाई एम है, ठीक है, वाई एम क्या होगा बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ एम इन वेपर्स अपॉन पी टोटल, ठीक है। अपन लोग लिखेंगे इसका पी नॉट ऑफ एम इनटू व्हाट, एक्स ऑफ एम, ठीक है।
x of m ये लिखा अपन ने अपॉन p टोटल बेटा, ठीक है। तो y m जो आ रहा है y m अपॉन x m जो आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा p नॉट m अपॉन p टोटल, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे ये 450 m का है और ये 700 जो है किसका है n का। तो जब हम बात करेंगे कि जो प्रेशर रहेगा रॉल्स लॉ के हिसाब से वेपर प्रेशर रहेगा वो p नॉट n से तो कम रहेगा, ठीक है, और p नॉट m से ज्यादा रहेगा, मतलब 400 और 700 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो जहां तक अपन बात करेंगे यहाँ पे कि p नॉट m की वैल्यू p टोटल से कम रहेगी तो अपन लोग लिखेंगे कि y m अपॉन x m इज लेस देन 1, ठीक है। अच्छा ये बात क्लियर है। तो लेस वोलाटाइल कंपोनेंट की वेपर्स कम बनेंगी और मोर वोलाटाइल कंपोनेंट की वेपर्स का फ्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अपन लोग रिलेशन इस तरीके से निकाल पाएंगे बेटा वाई एन अपॉन एक्स एन जो आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है। तो यहां देखो आपको जो है बेटा ये बताना है कि इसकी वैल्यू जो है 1 से ज्यादा है और इसकी वैल्यू 1 से कम है। तो ओवरऑल अपन लोग रिलेशन जिस हिसाब से मेंशन किया गया है इसमें इक्वलिटी का तो कोई साइन नहीं आने वाला, ठीक है। अब अपन लोग क्या करेंगे इसमें, एक चीज तो तय हो गई क्या कि भाई वाई एम अपॉन एक्स एम की वैल्यू जो है वाई एन अपॉन एक्स एन से कम होगी, ठीक है। अच्छा तो अपन लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, अपन लोगों को पहला ऑप्शन क्या दे रखा है एक्स एम अपॉन एक्स एन, तो एक्स एम अपॉन एक्स एन, ठीक है, ये ले लिया अपन ने। एक्स एम अपॉन एक्स एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट बेटा वाई एम अपॉन वाई एन। तो जरा देखते हैं क्या एक्सप्रेशन मैच कर रहा है, ठीक है, तो ये मैच कर रहा है बेटा, एक्स एम अपॉन एक्स एन विल बी ग्रेटर देन वाई एम अपॉन वाई एन, तो पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो गया। तो आसान सा सम था, बाकी और एक ऑप्शन ये था, ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है, समझ रहे बात को। तो बढ़ते हैं आगे, 28 हो गया। नाउ 29 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें क्या दे रखा है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड एक्स वाई इन वाटर इज 4 टाइम्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है भाई। तो ऑस्मोटिक प्रेशर अपन लोगों को एक्स वाई का जो दे रखा है वो क्या दे रखा है बेटा, 4 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 0.01 मोलर बेरियम क्लोराइड, ठीक है भाई। तो ये बेरियम क्लोराइड का आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है। अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ द गिवन आयनिक कंपाउंड इन वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स वाई इन सॉल्यूशन इज, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई इंटू वॉट सी, ओके, और आर टी, आई वन सी वन आर टी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ आई टू सी टू आर टी, ठीक है। आर टी कैंसिल आउट हो गया, आई वन कितना है बेटा, अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ द गिवन आयनिक कंपाउंड इन वाटर, है ना, तो ठीक है भाई, आई वन हो गया 2 एक्स वाई के लिए, और यहाँ पे सी वन अपन लोगों को कंसंट्रेशन नहीं पता है, लेकिन ये क्या है 4 इंटू, है ना, आई टू सी टू। तो आपको जो है सी टू दे रखा है 0.01, तो अपन ने लिया 0.01, ठीक है, और यहाँ पे आई वन कितना ले रखा है, आई वन आपको सॉरी आई टू जो दे रखा है वो बेरियम क्लोराइड के लिए होगा 3, है ना। अच्छा तो ये आ रहा है आपका कंसंट्रेशन जो आ गई बेटा, ये आ रही है आपकी 0.06, ठीक है। सो 0.06 मतलब 6×10⁻², सो दिस वन विल बी द आंसर, थर्ड आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, आपको बोला जा रहा है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट इज 4 केल्विन किलोग्राम पर मोल, द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट फॉर 0.03 मोल पर केल्विन मोल पर किलोग्राम, है ना, सॉल्यूशन ऑफ K2SO4। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट अपन लोगों को निकालना है और एज्यूम द कंप्लीट डिसोसिएशन मतलब पूर्ण अपघटन अपन लोगों को मानना है, ठीक है। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, I इंटू के एफ इंटू एम, K2SO4 जो है तो K2SO4 के लिए I की वैल्यू कितनी होगी,
K2SO4 के लिए I की वैल्यू होगी 3, तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे 3 इंटू KF का मान कितना है, KF का मान है आपके पास 0.03, ठीक है, सॉरी 4 केल्विन किलोग्राम पर मोल, है ना, और मोलरिटी कितनी रखी है आपको 0.03, है ना, तो डेल्टा TF कितना आ गया, डेल्टा TF आएगा आपका 0.36, सो आंसर आ गया आपका फर्स्ट, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 31 की। तो आपको बोला जा रहा है एट रूम टेम्परेचर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया इन 360 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट दिस टेम्परेचर इज 35 mm ऑफ मर्करी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अपन को पूछा गया है, तो अपन क्या करें बेटा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब क्या होगा यहाँ पे, डेल्टा पी आपको क्या दे रखा है, डेल्टा पी आपको दे रखा है, सॉरी डेल्टा पी आपको पूछा है, पी नॉट आपको कितना दे रखा है, 35 mm ऑफ मर्करी। यहां से क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया क्या होगा, मोल ऑफ यूरिया अपॉन मोल ऑफ यूरिया प्लस मोल ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा, मोल ऑफ यूरिया कितना आ रहा है अपने पास, 0.60 अपॉन 60, ठीक है, दैट इज 0.01, ओके, सो 0.01 मोल यूरिया के आ रहे हैं, तो 0.01 प्लस मोल ऑफ वाटर कितना आ रहा है, 360 मतलब 20, तो 20 के रिस्पेक्ट में 0.01 इग्नोर कर दो यहाँ पे, तो ये कितना आ गया 20, ठीक है। तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे कि ये कितना आ रहा है, 1/20, है ना, इनटू व्हाट, इसको आप करो, आगे देखो डेल्टा पी जो आएगा, डेल्टा पी जो आ रहा है वो आ रहा है 35/20 इनटू 0.01, ठीक है। तो यहाँ से अपन लोग बोलेंगे बेटा 3.5, ओके, तो ये आ रहा है 1.75, ठीक है। अच्छा, 1.75 इंटू 0.01, तो ये कितना आ रहा है, 0.0175, सो आंसर क्या आएगा आपका, 0.017 mm ऑफ मर्करी, ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 32 देखो, आपको बोला जा रहा है 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट इज डिसॉल्वड इन 100 ग्राम ऑफ टू डिफरेंट सॉल्वेंट्स ए एंड बी हूज इबिलिस्कोपिक कांस्टेंट आर इन द रेशियो ऑफ 1:5 द रेशियो ऑफ द एलिवेशन इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है भाई। तो आपको एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है डेल्टा टी बी ऑफ ए एंड डेल्टा टी बी ऑफ बी, ठीक है। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डेल्टा टी बी होता है आपका के बी इंटू एम, ठीक है, डेल्टा टी बी क्या होता है, के बी इंटू एम। आपने जो है 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लिया है, ठीक है, तो यहां से क्या हो रहा है, डेल्टा टी बी का रेशियो निकालना है अपन लोगों को, तो डेल्टा टी बी ऑफ ए, डेल्टा टी बी ऑफ ए वर्सेस डेल्टा टी बी ऑफ बी, तो डेल्टा टी बी ऑफ ए एंड डेल्टा टी बी ऑफ बी का जो रेशियो आएगा वो आएगा बेटा के बी इन ऑफ ए एंड के बी ऑफ बी, इनका रेशियो अपन को दे रखा है ना, और यहाँ पे मोलरिटी जो है एम वन एम टू मान लेते हैं, ठीक है, जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है उसके तो इक्वल मोल है बेटा, क्योंकि वेट इक्वल है और मास ऑफ सॉल्वेंट भी इक्वल है, तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे कि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मोलरिटी दोनों की क्या होगी, एम और एम ही हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों के जो है मास इक्वल है, सॉल्यूट के मोल भी इक्वल हैं और गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट भी इक्वल है। अब यहाँ पे देखो के बी जो है, के बी ऑफ ए और के बी ऑफ बी का जो रेशियो दे रखा है वो है 1:5, तो आंसर भी अपना 1:5 में ही रहेगा डेल्टा टी बी। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है, बढ़ते हैं आगे, तो आंसर आपका 4th जाएगा इसमें, क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 33, A solution is prepared by dissolving 0.6 gram of urea and 1.8 gram of glucose, ठीक है, in 100 ml of water at 27 degree centigrade. The osmotic pressure of the solution is, अच्छा, तो osmotic pressure कैसे निकालते हैं बेटा, CRT,
है ना, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन या मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। अब मोलरिटी में जो सोल्यूशन में कौन कौन मिला हुआ बेटा, आपने ग्लूकोज लिया है और यूरिया लिया है, ग्लूकोज और यूरिया, ठीक है। यूरिया आपका कितना है 0.6 ग्राम, ठीक है, और ग्लूकोज कितना है 1.8 ग्राम, ओके। अगर अपन लोग देखें यहाँ पे तो ग्लूकोज के मोल कितने आएंगे और यूरिया के मोल कितने आएंगे, तो मोल ऑफ यूरिया और मोल ऑफ ग्लूकोज ये आ रहे हैं आपके के पास कितने 1/100, और यूरिया के भी मोल कितने आ रहे हैं 1/100, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया आ रहे हैं आपके पास 1/100, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज अपन लोगों को टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होगा बेटा, दोनों को ऐड करोगे आप तो ये आएगा 1/50। तो टोटल सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, टोटल सॉल्यूट के मोल हैं आपके पास 1/50, ठीक है। आपने वॉल्यूम कितना लिया बेटा, वॉल्यूम लिया है 100 ml, ठीक है, तो वॉल्यूम आपने 100 ml ले रखा है तो 1/100 कर दो आप, ठीक है, और ये मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, वॉल्यूम को लीटर में रखना है। तो ये हो गई मोलरिटी इनटू व्हाट 0.0821, ठीक है ना, इनटू व्हाट टेम्परेचर आपको कितना दे रखा है, टेम्परेचर आपको दे रखा है 27 का मतलब 300, ये हो गया आपका 10, ठीक है, और ये आपका 5 आ गया। तो यहाँ से आ रहा है आपका ये कितना होता है बेटा 24.6 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5, तो अपन लोग लिखेंगे इसको 4. यहाँ पे 4.9 के अराउंड आएगा बेटा, 4.92 है ना, 5×45 4.92, सो आंसर आपका फर्स्ट हो गया, क्लियर। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन नंबर 34 देखो, आपको बोला जा रहा है एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड इज 512 एंड दैट ऑफ एसीटोन इज 344 mm ऑफ मरकरी, अ सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड इन एसीटोन हैज टोटल वेपर प्रेशर कितना 600 mm ऑफ मरकरी। तो अगर हम देखें टोटल वेपर प्रेशर जो है, ठीक है, वो 600 mm आ रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट अपन को बताना है। अब देखो बेटा, अगर वेपर प्रेशर आ रहा है आपका 600, तो पहली बात तो अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होता तो वेपर प्रेशर जो होता वो किस किस के बीच में होता, 512 और 344 के बीच में होता, ठीक है, ये कितना आ रहा है 600 आ रहा है। अगर ये 600 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 600 अगर आ रहा है तो कहने का ये मतलब है कि ये सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, और अगर ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है ए और बी के बीच में, मतलब एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड के बीच में, वो कम रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोग बोलेंगे कि जो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग होना चाहिए बेटा वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब इन दोनों के वॉल्यूम को अगर हम मिलाएंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम एक्सीड करेगा। अब दोनों अपन लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर अपन लोग पहले ऑप्शन को पढ़ो, अ मिक्सचर ऑफ 100 ml ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड 100 ml ऑफ एसीटोन मिलाएंगे तो पॉजिटिव डेविएशन के केस में डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव आएगा, तो मतलब वी फाइनल जो आएगा वो 200 ml से ज्यादा आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है कम, ठीक है। तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट ही बताना है, तो मतलब आंसर यही हो गया आपका, है ना, बाकी के केसेस आप पढ़ सकते हो उसमें। कार्बन डाइसल्फाइड एसीटोन का अट्रैक्शन लेस होगा टू ईच अदर देन देयर टू देमसेल्व्स, ठीक है, ये करेक्ट है। हीट मस्ट बी अब्सॉर्ब्ड, ओके, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, और रॉल्स लॉ इज नॉट ऑबिट, तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अपन को आंसर करना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखो, टू ओपन बीकर्स कंटेनिंग अ सॉल्वेंट एंड अदर कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट विद अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टुगेदर इन अ सील्ड कंटेनर ओवर द टाइम, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या है बेटा, एक सील्ड कंटेनर के अंदर क्या है, अपन लोगों ने सॉल्वेंट रखा, ठीक है, सॉल्वेंट रखा, ठीक है, सपोज करो ये वाटर और ये क्या है सॉल्यूशन, है ना। यहाँ पे क्या है बेटा, वाटर का वेपर प्रेशर होगा पी नॉट, ठीक है, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा पी। तो यहाँ पे जो वेपर्स होंगी, ठीक है,
और यहाँ पे वेपर्स होंगी तो इनकी क्वांटिटी एक्सटेंड कम रहेगी, तो यहाँ पे दोनों की वेपर्स के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, ठीक है। साथ में यहाँ पे इसके बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा लिक्विड फेस लिक्विड वाटर और जो है गैसेस फेस ऑफ वाटर में। यहाँ पे भी वाटर की जो वेपर्स होंगी वो इस सोल्यूशन के साथ क्या करेंगी, इक्विलिब्रियम लाई करेंगी। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बेटा, वेपर की जो फ्रैक्शन है या एक्सटेंट है वो ज्यादा है, तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होने लगेगा इसकी तरफ, ठीक है, ताकि दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो सके, ज्यादा हो। अगर यहाँ का वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, तो सॉल्यूशन जो होगा बेटा उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी, ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा उससे, ठीक है। तो अपन लोग बोलेंगे कि यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, जब यहाँ से इंक्रीज होगा तो ओवरऑल हम बोलेंगे कि यहाँ से जो नमी है, ठीक है, या जो वाटर की वेपर्स हैं वो इस तरफ जाएंगी और इस सॉल्यूशन के साथ वो इक्विलिब्रियम में आएंगी। तो सॉल्यूशन में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन या वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, और वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डाइल्यूशन होगा, डाइल्यूशन होगा तो अपन लोग बोलेंगे कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन घटेगी, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन घटेगी तो क्या होगा, देखो द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज, सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो चेंज होगा बेटा, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट तो डिक्रीज करेगा, ये बात ठीक है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज भी करेगा साथ में, ठीक है। सो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, समझ में आ गई बात। पढ़ते हैं नेक्स्ट, 35 हो गया, 36 की तरफ देखो। अ फ्लास्क कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ आइसोहेक्सेन एंड 3 मिथाइल पेंटेन, वन ऑफ द लिक्विड boils at 63 degree centigrade while other boils at 60 degree centigrade. What is the best way to separate two liquids and which one will distillate out first? ठीक है, तो अब देखो बेटा, अगर अपन लोग देखें तो यहाँ पे boiling point जो है बहुत ज़्यादा differ नहीं कर रहा है, ठीक है ना, मतलब 10-15 degree centigrade से अगर ज़्यादा होता है तो उनको simple distillation से अपन लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे कम boiling point का difference है तो अपन लोग fractional distillate करते हैं उनको, ठीक है। तो एक तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अपना ऑप्शन हो गया। अब डिस्टिलेट कौन पहले होगा, ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो डिस्टिलेट वो होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा, ठीक है। तो डिस्टिल्ड आउट फर्स्ट जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, वो पहले डिस्टिल आउट होगा, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब देखो बेटा, यहाँ पे अपन लोग देखें तो यहाँ पे ये आपके पास आइसोहेक्सेन हो गया, ठीक है। अब चूंकि बॉइलिंग पॉइंट इसमें ये नहीं दे रखा है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो अपन लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसमें बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ठीक है, और किसका कम होगा। अगर हम देखें यहाँ पे मॉलिकुलर सिमेट्री आ रही है, ठीक है, ब्रांचिंग इसमें भी बराबर है, ब्रांचिंग इसमें भी बराबर है, लेकिन वहां पे मॉलिकुलर सिमेट्री आ रही है, तो मॉलिकुलर सिमेट्री आने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपको 3 मिथाइल पेंटेन का बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अपन लोग बोलेंगे कि 3 मिथाइल पेंटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए वो 63 होना चाहिए और आइसोहेक्सेन का होना चाहिए 60 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आइसोहेक्सेन क्या होगा बेटा, डिस्टिल आउट फर्स्ट, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नाउ 37 नंबर का क्वेश्चन देखो। हाउ मच अमाउंट ऑफ NaCl शुड बी एडेड टू 600 ग्राम ऑफ वाटर टू डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपन लोग क्या करेंगे बेटा, NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसके लिए वांट ऑफ फैक्टर लेना पड़ेगा, ठीक है, I into KF into M, क्लियर। अब यहाँ पे जो है 0.2 ये आपका TF हो रहा है, डेल्टा TF, I की वैल्यू कितनी आ रही है इसके लिए 2, है ना, वाटर के अंदर NaCl पूरा आयनाइज होगा। KF आपको कितना दे रखा है पानी के लिए, ये आपको 2 दे रखा है, और आपको मोलरिटी कितनी दे रखी है, 600 ग्राम पानी लिया है आपने, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 1000 into what, 600 तो पानी का वेट हो गया, ठीक है, 1000 into आपने जो है वेट ऑफ NaCl लेना है बेटा प्लस 58.5, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये हो गया 0.1, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, आप W जब निकालोगे तो W आएगा आपके पास, ये आपका हो जाएगा 60 into 0.1
58.5, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 1000, ठीक है, सो ये कितना हो गया 30, ठीक है, ये कितना आ गया बेटा 1000 में, ठीक है, सो ये आ रहा है 1.7555, ठीक है ना, सो ये आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 देखो बेटा, मोलरिटी ऑफ HNO3 इन अ सैंपल व्हिच हैज डेंसिटी ऑफ 1.4 एंड मास परसेंटेज आपको 63 दे रखा है, तो अपन लोग क्या लिखेंगे यहां पे, मोलरिटी इज इक्वल टू व्हाट, 10 इनटू मास परसेंटेज अपॉन इनटू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HNO3, ठीक है, सो 10 इनटू मास जो परसेंटेज वेट बाय वेट है वो कितना है 63, डेंसिटी आपको कितनी दे रखी है 1.4 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 कितना आता है बेटा 63 आता है, तो 63 कैंसिल आउट हो गया, ये आ रहा है आपका 14, ठीक है, सो मोलरिटी कितनी आ गई सॉल्यूशन की जो है 14 आ गई बेटा, तो मोलर था 14 आंसर होगा इसका। ओके, तो इस तरीके से ये आपका रेडॉक्स वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डिस्कशन अपना ओवर हुआ बेटा, ठीक है, मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। ओके, उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।